कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स ए की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग दो के काव्यखंड से लिया गया अंश है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। इससे पहले के जो अंश हैं वो पहली वाली वीडियो में बता दिए गए हैं, तो अभी हम चौथा अंश पढ़ेंगे। अभी इससे पहले जो तीन अंश आए उसमें दिखाया गया राम के द्वारा केवल एक संवाद पहले वाले अंश में बताया गया था, ठीक है। उसके बाद सीधी की सीधी बातचीत किस में हुई है, लक्ष्मण में और परशुराम में, दोनों की अच्छे से जिद बहस हो रही है, ठीक है। लक्ष्मण इनका मजाक उड़ा रहे और ये बहुत ज्यादा, परशुराम जो है वो बहुत ज्यादा क्रोधित दिखाए गए हैं। अब इसी क्रोधवश क्या होता है कि लक्ष्मण जो है वो परशुराम को बोले जा रहे हैं, तो अभी परशुराम क्या है बीच में, क्योंकि जब परशुराम लक्ष्मण को कुछ कह रहे हैं लक्ष्मण मान नहीं रहे, लक्ष्मण भी पूरे का पूरा जवाब दे रहे हैं, तो यहाँ पे अब परशुराम किसको ले आते हैं बीच में, विश्वामित्र को। अब परशुराम क्या सोच रहे हैं कि लक्ष्मण तो बालक है, बालक को कुछ समझ नहीं आ रहा, वो मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ वो तो डर ही नहीं रहा है, उसके अंदर कोई खौफ नहीं है, ठीक है। तो अब उनको मारने से पूर्व, मतलब परशुराम को इतना ज्यादा गुस्सा आता, वो कह रहे थे कि मैं सबको मार दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी परशुराम ये सोच के, कि एक बात होता है ना कि बच्चा नहीं मानता तो हम उसके पेरेंट्स के पास चलते, तो ऐसे ही यहाँ पे परशुराम जी कह रहे हैं कि ये बालक है, ये ना समझ है, ये नहीं मान रहा, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं विश्वामित्र को बोलता। तो विश्वामित्र को, अब विश्वामित्र को जो है परशुराम बता रहे हैं कि तुम इस बालक को मेरे बारे में बता दो, अन्यथा ये प्राण से जाएगा, और इसके इसका जो कुल है, मतलब इसके परिवार वाले, वो भी, मतलब मैं सबको खत्म कर दूंगा अगर ये बालक नहीं माना तो। तो ये विश्वामित्र को इस तरीके से समझाते हैं, परंतु यहाँ पे फिर क्या होता है, परशुराम विश्वामित्र को कहते हैं और फिर लक्ष्मण जो है वो फिर दोबारा से शुरू हो जाता है। तो परशुराम को, जैसे ही परशुराम ये बोलते हैं विश्वामित्र को कि तुम इस बालक को मेरे बारे में बता दो, वैसे ही जो है लक्ष्मण शुरू हो जाते हैं कि अच्छा और बताने की बात कर रहे हैं आप। तो फिर दोबारा से लक्ष्मण फिर परशुराम को जवाब देने लगते हैं। अब वो परशुराम को कहते हैं कि भाई आपने अपनी प्रशंसा इतनी तो कर ली है, आपने अपनी तारीफ इतनी तो कर दी है, अब और बाकी क्या रह गया है। अगर और आप अपने, इतनी देर से लक्ष्मण देख रहे हैं कि वो अपनी तारीफ खुद ही पे खुद करे जा रहे हैं, कोई और उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो लक्ष्मण कहते हैं कि आपसे बेहतर आपकी तारीफ कौन ही कर सकता है, क्योंकि परशुराम विश्वामित्र को कह रहे थे ना कि आप जो है बताओ इस बालक को कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं। तो ऐसे ही लक्ष्मण अब परशुराम को बताते हैं इस अंश के अंदर कि भाई आपसे ज्यादा बेहतर आपकी प्रशंसा कौन कर सकता है, इतनी देर से आप खुद ही तो कर रहे हैं, तो आगे भी आप ही कर लीजिए। तो यहाँ पे परशुराम का क्रोध जो है वो और ज्यादा विख्यात हो जाता है, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। अब पहले लक्ष्मण ने परशुराम की इस तरीके से प्रशंसा करी कि भाई आपसे ज्यादा आपकी प्रशंसा कौन कर सकता है, आपके बारे में आपसे ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है, तो आप खुद ही बता दो। वो बता तो पहले भी रहे थे, तो और उनका मजाक बनाते हुए और उनको क्रोध दिलवाते हुए लक्ष्मण ये बात और कहते कि भाई तुम ही अपनी तारीफ कर लो ना, तुम क्यों विश्वामित्र को कह रहे हो कि वो मेरे बारे आपके बारे में और चीजें बताएं, आपसे बेहतर आपको और कौन जान सकता है। ऐसा करके लक्ष्मण बोलते, फिर अंत की पंक्तियों में ही फिर से लक्ष्मण अब ये बताते हैं, अब वो तुक वाली बात करते हैं, ठीक है। पहले तो वो उनको चिढ़ा रहे थे, परंतु अब वो तुक वाली सही बात उनको बताते हैं। वो बताते हैं कि अगर कोई योद्धा होता है, ठीक है, अगर कोई योद्धा होता है तो वो योद्धा क्या करता है, वो युद्ध करता है, ना कि प्रशंसा में लग जाता है अपनी। जब योद्धा, अगर कोई लड़ाकू होता है, अगर कोई वीर होता है, तो वो क्या करता है, युद्ध भूमि में अपना जो है कर्तव्य दिखाता है, वो अपनी वीरता का प्रदर्शन वो अपने युद्ध में दिखाता है, ना कि अपने मुंह से बोल बोल कर स्वयं अपनी प्रशंसा करता है। और अगर कोई योद्धा होता है तो योद्धा वो तब कहलाता है जब उसकी योद्धा उसकी वीरता का जो है, उसकी वीरता की प्रशंसा जो है दूसरे लोग करें, ना कि वे स्वयं करें। तो ये बात जो है यहाँ पर अंतिम पंक्तियों में लक्ष्मण उनको बताते हैं, और इससे भी यही होगा, परशुराम का क्रोध और ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब दो दो पंक्तियां लेकर इनका व्याख्यान करते हैं। प्रमुख दो पंक्तियां हैं, कोसिक सुनहु मंत येहु बालकु कुटिल कालबस निज कुल घालकु भानु वंश राकेश अंकुर कलंकु निपट निरंकुश अबुधु असंकु। अब ये दो पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं, ये कही गई हैं परशुराम के द्वारा, और परशुराम अब ये लक्ष्मण को नहीं बता रहे हैं, ठीक है, ये बोल रहे हैं विश्वामित्र को। अब इन पंक्तियों में परशुराम जी बताते हैं कि ये बालक तो जो है बिल्कुल ही मंदबुद्धि है, बिल्कुल कुटिल है, इसमें जो है बिल्कुल भी समझ नहीं है, इसको किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है कि मैं इसे मार सकता हूं, तो ये इस बात से बिल्कुल बेखबर है। मतलब परशुराम विश्वामित्र को किसके बारे में बता रहे हैं,
लक्ष्मण के बारे में कि ये जो लक्ष्मण है ये बिल्कुल ही कम बुद्धि बालक हो चुका है, इसको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, ये निरंकुश है कि मैं इसका क्या कर सकता हूँ। वैसे तो ये सूर्यवंशी है, परंतु फिर भी ये सूर्यवंशी होते पर भी ये क्या है, ये चंद्रमा पर कलंक है। ठीक है, मतलब सूर्यवंशी है इस पर ये कलंक है, क्योंकि इसको कुछ भी नहीं पता है, ये जो है यहाँ पर बिल्कुल ही मूर्ख है। तो इतना कुछ ये जो है परशुराम जो है विश्वामित्र को बताते हैं लक्ष्मण के बारे में इन दो पंक्तियों में। तो कौशिक, कौशिक का अर्थ होता है विश्वामित्र, कौशिक को यहाँ पे कौन है, विश्वामित्र। विश्वामित्र सुनहु अर्थात सुनो, मंद येहु बालक, मंद अर्थात कम बुद्धि वाला, येहु का अर्थ हो गया यह है बालकु का अर्थ हो गया बालक, तो यहाँ पे बालक कौन है, ये है लक्ष्मण। कि ये सुनो विश्वामित्र, यह जो बालक है ये बिल्कुल ही मंद बुद्धि है, ये कम बुद्धि वाला बालक है। ठीक है, कुटिल, कुटिल का अर्थ होता है बुरा, जो अच्छा ना हो। ठीक है, ये बहुत कुटिल है। कालवश, कालवश का अर्थ हो गया मृत्यु के वश में, ये शब्द पहले भी आया था, अर्थात ये अपनी मृत्यु को खुद ही बुला रहा है, तो मृत्यु के वश में है ये। निज कुल घालकु, निज हो गए अपने, अपने कुल के लिए। ठीक है, मतलब लक्ष्मण अपने कुल के लिए, अपने पूरे सारे रिश्तेदार के लिए, अपने पूरे समाज के लिए, कुल के लिए घालकु है। घालकु का अर्थ हो गया घातक, ये क्या करेंगे, घातक शब्द अगर आया है तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं घातक है मतलब बहुत खतरनाक है ये व्यक्ति। कितना खतरनाक हो गया लक्ष्मण, कि इस लक्ष्मण के कारण परशुराम इनके पूरे के पूरे कुल को खत्म कर देंगे। तो ऐसा ही ये विश्वामित्र को कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, ये जो बालक है ना ये बिल्कुल ही मंद बुद्धि है, और ये बालक ही क्या है, ये कुटिल है, ये बहुत बुरा है, और ये जो है काल के वश में आ चुका है, ये बिल्कुल मृत्यु के वश में आ चुका है, और यही अपने कुल का, और यही क्या होगा, यही अपने कुल का जो है घातक बनेगा, क्योंकि इसी के कारण जो है परशुराम कहते हैं कि इसी लक्ष्मण के कारण मैं इसके कुल को भी समाप्त कर दूंगा, इसके कुल को भी खत्म कर दूंगा। ऐसा परशुराम विश्वामित्र को कह रहे हैं, डायरेक्ट लक्ष्मण को नहीं कह रहे, क्योंकि अभी उन्हें समझ आ चुका है कि लक्ष्मण उनकी बात में नहीं आने वाला, वो नहीं मानने वाले, इसलिए अब वो विश्वामित्र को बताते हैं। विश्वामित्र कौन है, लक्ष्मण श्री राम के जो गुरु थे वो विश्वामित्र हैं। तो परशुराम विश्वामित्र को ही समझाने का प्रयास करते हैं, ये सारी की सारी बातें वो विश्वामित्र को बताते हैं। भानुबस, भानुबस का अर्थ होता है सूर्यवंशी, तो यहाँ पर ये सूर्यवंशी थे। ठीक है, सूर्यवंश के थे लक्ष्मण, लक्ष्मण का पूरा परिवार, उनका कुल सूर्यवंशी था। तो यहाँ पे परशुराम बताते हैं कि कहने को तो ये क्या है, ये सूर्यवंशी हैं। राकेश, राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा, कलंकु का अर्थ हो गया कलंक, कि कहने को तो ये सूर्यवंशी हैं, मतलब सच में वो सूर्यवंशी हैं, परंतु फिर भी ये उस तरह का सूर्यवंशी है, मतलब केवल लक्ष्मण, ये लक्ष्मण कैसे हैं, कहने को तो सूर्यवंशी हैं, ये बहुत अच्छे हैं, परंतु फिर भी इनके पूरे वंश की बात कर रहे हैं परशुराम की, फिर भी इसने क्या किया है, ये चंद्रमा पर कलंक के समान है लक्ष्मण। कहने को तो ये सूर्यवंशी है, परंतु फिर भी ये चंद्रमा पर कलंक के समान है, मतलब चंद्रमा है चमक रहा है, परंतु इस पर जो है एक कलंक लगा हुआ है, जो धब्बा है, जो लगा हुआ है, ठीक है, जो खराब लगता है। तो ऐसे ही बताते कि कहने को तो ये सूर्यवंशी, परंतु चंद्रमा पर जिस तरीके का कलंक होता है, लक्ष्मण उस पूरे वंश के लिए उसी के समान है, कि सब तो चमक रहे हैं परंतु एक जो ये धब्बा है, ठीक है, ये जो कलंक है, ये ही इनके नाश का कारण बनेगा। तो इसलिए जो है परशुराम कहते हैं कि ये लक्ष्मण जो है वो कलंक के समान है। निपट, निपट निरंकुश, ठीक है, निपट यहाँ पे यह है निरंकुश, निरंकुश का अर्थ बिल्कुल जिस पर अंकुश ना लगाया जा सके, ठीक है, निरंकुश का अर्थ जिस पर अंकुश ना लगाया जा सके। अबुद्ध, अबुद्ध का अर्थ होता है मूर्ख, अबुद्धि, ठीक है, बिल्कुल मूर्ख। असंकु का अर्थ है शंका, शंका रहित, जिस पे कोई शंका नहीं है, अर्थात लक्ष्मण को किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है कि मैं जो है यहां सबको मार सकता हूं। तो ऐसा यहाँ पर परशुराम जी बता रहे हैं कि सूर्यवंशी होने पर भी ये क्या है, सूर्यवंशी पर कलंक है, मतलब चंद्रमा पर कलंक के समान है, और यह है बिल्कुल ही, निपट का अर्थ होता है बिल्कुल, बिल्कुल ही निरंकुश व्यक्ति है ये, अर्थात उन पर जो है अंकुश लगाना बहुत, निरंकुश जिस पर अंकुश लगाना, जिसे रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पता ही चल गया कि पहले के आपने जो तीन अंश पढ़े कि लक्ष्मण जो है रुके नहीं रहे हैं, वो तो डायरेक्ट जो है जवाब पे जवाब दिए जा रहे हैं,
परशुराम को, ठीक है, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, निरंकुश और आशंकु, अर्थात इसको किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है, इसको कोई भनक नहीं है कि परशुराम जो है मार सकते हैं सबको, इसकी कुल का नाश कर सकते हैं, और ये बिल्कुल ही मूर्ख व्यक्ति बता दिया गया, और इस पर अंकुश नहीं लगाया जाता, अर्थात जिसको रोका ना जा सके। तो ऐसा यहाँ पे दो पंक्तियों में परशुराम को परशुराम विश्वामित्र को बताते हैं लक्ष्मण के बारे में, अर्थात ऐसा कहा जा सकता है कि परशुराम ने यहाँ पे लक्ष्मण की वो विशेषता बताई है जैसा परशुराम जो है लक्ष्मण को समझ रहे हैं। अब ये जो दो पंक्तियां आई हैं ये भी परशुराम और विश्वामित्र पर ही है, ठीक है, परशुराम अभी भी यहाँ पर विश्वामित्र से ही बात करते नजर आ रहे हैं। अब इन पंक्तियों में वो क्या बताते हैं कि भाई मैं तो क्षण भर में इसका नाश कर दूंगा, परशुराम विश्वामित्र को कह रहे हैं कि मैं लक्ष्मण का पल भर में नाश कर दूंगा, ठीक है, और अभी मैं पुकार पुकार के कह रहा हूं कि तुम इसे समझा लो, ये रुक जाए, अन्यथा मैं इसका नाश कर दूंगा, और तुम इसे बता दो, मतलब जो चीज ये समझाने के लिए कह रहे हैं ना विश्वामित्र को कि तुम लक्ष्मण को समझा लो, और जो चीज मैं समझाने में कह रहा हूं तो तुम इसे बता दो कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा प्रताप क्या है, मेरा क्रोध कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है, तुम इसको एक तरीके से बता दो, अन्यथा ये तो मेरे हाथ से आज चला जाएगा। तो इस तरीके की बातें जो है यहाँ पर परशुराम विश्वामित्र को बताते हैं। कालक कवलू होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही, तुम हट कहु चो चराहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोष हमारा। अर्थात यहाँ पे परशुराम जी अपने विषय बता रहे हैं कि भाई तुम इसे समझा लो, अन्यथा मैं तो इसे मार ही दूंगा, और मैं अभी पुकार पुकार के तुम्हें बता रहा हूं कि तुम मुझे रोक लो और इसे समझा लो, परंतु तुम भी मेरी बात नहीं मान रहे हो, ठीक है, क्योंकि विश्वामित्र तो क्या ही करेंगे भाई, वो लक्ष्मण को भी कुछ नहीं कह सकते, उन्हें तो दोनों का स्वभाव पता है। तो वो विश्वामित्र का भी यहाँ पे मतलब कोई डायलॉग यहाँ पे नहीं दिखाया गया कि विश्वामित्र कुछ कहते हैं, सीधा परशुराम ही विश्वामित्र को बताते हैं, और इनडायरेक्ट वे में वो लक्ष्मण को ही डराने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके शब्दार्थ देखते हैं। काल कवलू का अर्थ होता है मृत्यु का भोजन, अर्थात तुम क्या हो जाओगे, मृत्यु का भोजन। कौन, परशुराम विश्वामित्र को कह रहे हैं कि ये जो बालक है लक्ष्मण जो है ये मृत्यु का भोजन हो ही का अर्थ हो जाएगा, ठीक है, अर्थात लक्ष्मण मृत्यु का भोजन हो जाएगा क्षण माही, अर्थात क्षण भर में। क्षण भर में मतलब बहुत कम समय लगेगा, चुटकी बजाते ही ऐसा काम होता है, चुटकी बजाते ही कर दे, तो ऐसे ही परशुराम बता रहे हैं कि क्षण भर में ये मृत्यु का भोजन हो जाएगा, मैं इसे मार दूंगा। कहो पुकारी खोरी मुही नाही, कहो अर्थात कह रहा हूं, परशुराम कह रहे हैं कि कह रहा हूं, पुकारी अर्थात पुकार कर, ठीक है, पुकार कर खोरी अर्थात दोष में, मुही का अर्थ मुझे, नाही का अर्थ नहीं। तो यहाँ पर बताते हैं परशुराम विश्वामित्र को कि भाई ये जो लक्ष्मण है, ठीक है, ये मृत्यु का भोजन हो जाएगा क्षण भर में, मैं कह रहा हूं पुकार कर, फिर बाद में तुम मुझे दोष ना देना कि मैंने इसे मार दिया, ठीक है। यहाँ पे अर्थ यही निकलता है कि क्षण भर में मैं इसको मृत्यु का भोजन बना दूंगा, इसको मार दूंगा, और मैं पुकार पुकार के बहुत देर से कह रहा हूं तुम इसे समझा लो, अन्यथा तुम बाद में मेरे को दोष मत देना इस बात का कि मैंने इसे मार दिया। तुम हट कहू का अर्थ होता है रोक लो, अर्थात तुम इसे रोक लो। जो चाहो उभारा चाहते हो बचाना, अर्थात जो तुम, अर्थात परशुराम विश्वामित्र को कह रहे हैं कि जो तुम चाहू मतलब चाहते हो उबारा का अर्थ हो गया बचाना, जो तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे तुम रोक लो, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे रोक लो। कही प्रतापु, कही का अर्थ हो गया कहना, प्रतापु यहाँ पे क्या है, तुम मेरी बड़ाई करो या तुम इसे मेरी प्रशंसा करो,
प्रशंसा बढ़ाई एक ही मतलब निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़ाई और प्रशंसा से क्या अर्थ है कि मेरे रौद्र रूप के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में, ठीक है, तुम इसे बताओ। मतलब बढ़ाई का मतलब क्या है कि वो अपने क्रोध के बारे में बताना चाहते हैं कि विश्वामित्र तुम लक्ष्मण को मेरी बढ़ाई करो, उसे बताओ कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा क्रोध कैसा है, तो मेरे प्रतापों के बारे में तुम इसे बताओ, मेरी बढ़ाई करो, अर्थात मेरे क्रोध के बारे में इसको बता दो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। बलू, बलू का अर्थ हो गया बल। तुम इससे मेरे क्रोध के बल के बारे में कहो। रोशु, रोशु का अर्थ होता है क्रोध। हमारा, हमारा का अर्थ मेरा, ठीक है, परशुराम का। तो परशुराम विश्वामित्र को बताते हैं कि तुम यदि चाहते हो इसे बचाना तो तुम इसे रोक लो, और रोको तुम कैसे कि तुम इससे मेरी प्रशंसा करो, तुम इसको मेरे क्रोध, मेरे बल के बारे में जो है बताओ और इसे रोक लो किसी तरीके से, ठीक है। तो दोनों ही पंक्तियां हो गई यहाँ पे। पहली पंक्ति में बताते हैं कि भाई मैं क्षण भर में इसको मार दूंगा, और मैं पुकार पुकार के तुम्हें बहुत देर से कह रहा हूँ कि इसे बचा लो, इसे चुप कर लो, परंतु कोई इसे चुप नहीं कर रहा है। तो फिर बाद में तुम मुझे दोष मत देना कि मैंने इसे मार दिया, और अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम इसे बता दो कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मैं कैसा क्रोध मेरे अंदर है, मैं इसे खत्म कर सकता हूँ क्षण भर में। तो ये दोनों ही पंक्तियों में यहाँ पे परशुराम विश्वामित्र को बताते हैं। अब आखिर लक्ष्मण भी कितनी देर तक चुप रहेंगे, अब आगे वो अपने अपना खुद ही जो है, अब ये परशुराम जो है विश्वामित्र को बता रहे थे ना, अब लक्ष्मण फिर से शुरू हो जाते हैं, अब वो फिर से सीधा जवाब परशुराम को देने लगेंगे। अब इन पंक्तियों में जो है लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि तुमने जो है अपनी बढ़ाई, अभी ऊपर वो बता रहे थे ना विश्वामित्र को कि इसे समझा लो, इसे बता दो मेरे वीर के बारे में, मेरे बल के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में, इसे बता दो। तो यहाँ पे अब लक्ष्मण कहते हैं कि भाई मुनि परशुराम, आपने अपने बारे में इतना वर्णन तो कर ही दिया है अपने बारे में, तो आप ही अपने बारे में अपना सब कुछ बता दीजिए ना, किसी और को क्या पता, आपसे बेहतर तो आपको कोई और नहीं जान सकता, तो आप अपना बखान खुद ही कर दीजिए, ठीक है, आप अपने बारे में खुद ही बता दीजिए, आप दूसरे को क्या बोल रहे हैं कि कोई और बताए, आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता, तो आप ही बता दे। तो ऐसा ही यहाँ पे लक्ष्मण जो है दोनों पंक्तियों में बताते हैं। लखन केहू मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु परने। अर्थात यहाँ पे तुम अपनी बरनी अपने कई बार तो कर चुके, तुम अपना बखान तो यहाँ पे भी तुम ही कर लो, दूसरे को क्यों बोल रहे हो। तो लखन, लखन का अर्थ हो गया लक्ष्मण। कहेउ कहते हैं मुनि, यहाँ पर परशुराम। सुजसु, सुजसु का अर्थ होगा स्वभाव। तो लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि तुम्हारे स्वभाव के बारे में तुम ही तो जानते हो, तुम ही अर्थात तुम्हारे, तुम्हारे रहते अछत, अछत का अर्थ हो गया दूसरा। को बरने, को का अर्थ होगा कौन, बरने, बरने का अर्थ होगा वर्णन करना, पारा पाएगा। अर्थात यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि परशुराम तुम्हारे स्वभाव के बारे में कोई दूसरा क्या वर्णन कर पाएगा, कोई दूसरा कौन है जो तुम्हारे बारे में इस तुम्हारा वर्णन कर पाएगा, तुम खुद ही काफी हो ना अपने बारे में बोलने के लिए। तो ठीक है, लक्ष्मण कहते हैं परशुराम से कि दूसरा तुम्हारे सिवा, मतलब तुम्हारे सिवा ऐसा कोई भी दूसरा नहीं है जो तुम्हारा वर्णन कर पाएगा, क्योंकि तुम्हें ही तुम्हारे बारे में सब कुछ, तुम्हारे स्वभाव के बारे में सब कुछ तो तुम्हें ही पता है, दूसरा कोई ऐसा नहीं है, दूसरा कौन है जो तुम्हारा ऐसा वर्णन कर पाएगा, मतलब ऐसा दूसरा कोई भी नहीं है जो तुम्हारे स्वभाव के बारे में जितना बेहतर तुम अपने आप को जानते हो कोई और तुम्हें जानता हो, तो तुम ही खुद ही बोल लो अपने बारे में। अपने मुंह, अर्थात अपने मुंह, लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं तुमने अपने मुंह से ही कर रहे हैं ना तारीफ वो अपनी, तो तुम अपनी करनी, अर्थात अपनी करनी, अपनी प्रशंसा, अपनी का अर्थ हो गया अपनी, करनी, करनी यहाँ पे तुमने अपने ही मुंह से अपनी करनी कर ली, अर्थात तुमने अपनी प्रशंसा अपने मुंह से स्वयं ही कर ली है। बार अनेक बाती बहुवर्णी, बार, बार का अर्थात बार बार, अनेक, बार अनेक मतलब तुमने अनेक बार जो है, भांति, भांति का अर्थ होता है प्रकार,
मतलब अनेकों प्रकार से तुमने अपने जो प्रशंसा है वो अनेकों बार कर दी है। बार अनेक अर्थात अनेक बार तुमने अपनी प्रशंसा, बहु बहु का अर्थ हो गया बहुत, बहुत बरने, बरने का अर्थात वर्णन करना। तो तुमने अपने स्वभाव का जो वर्णन है, तुमने अपने क्रोध का, अपनी प्रशंसा का जो वर्णन है वो तुमने कई बार प्रकार प्रकार से कर दी है, कई अनेक बार जो है बहुत प्रकार से तुमने अपने ही मुंह से अपनी जो है प्रशंसा कर दिया, अपना वर्णन तुमने अपने आप ही कर दिया है। तो तुम दूसरे को क्या बोल रहे हो? और कोई दूसरा तो भाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें तो तुम्हारे से बेहतर कोई और जानता ही नहीं है। इतनी देर से तुम ही तो प्रशंसा कर रहे हो, कोई और क्या कर रहा है? कोई और कर भी नहीं रहा, कोई और बोल भी नहीं रहा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लक्ष्मण यही बताते हैं कि भाई आपके स्वभाव के बारे में आपसे बेहतर कोई दूसरा नहीं जान सकता, तो इसलिए आप अपने मुंह से वैसे भी अनेक बार जो है बहुत कुछ बोल चुके हो, तो आपने अपनी प्रशंसा तो खुद ही करी है, अपने बारे में सब कुछ आपको भली भांति पता है। आपने बहुत तरीकों से जो है यहाँ पे अपने अपना अपना जो स्वभाव था, अपना जो चरित्र था, वो अपने ही मुख से बोला है। अब इन पंक्तियों में लक्ष्मण बताते हैं परशुराम को कि आपको जो है अभी तक संतुष्टि नहीं हुई है, आप इतनी देर से तो अपनी बड़ाई कर ही जा रहे थे। तो उसका आगे वो बोलते हैं कि अगर आपको अभी भी संतुष्टि नहीं हुई है, अगर आप अभी भी अपने बारे में अपनी प्रशंसा खुद करना चाहते हो, अपना रौद्र रूप आप दिखाना चाहते हो, तो आप अपने बारे में और भी कुछ कह लो। और एक बार होता है ना कि आपके पेट में दर्द हो जाता है अगर आपको किसी को कुछ बताना है, तो वो कहा जाता है ना कि इसके पेट में दर्द हो जाएगा, ये बता के रहेगा बात। ठीक है, ऐसा ही लक्ष्मण जो है परशुराम को कहते हैं कि वो दर्द होगा, मतलब आपको दर्द को सहना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब लक्ष्मण बताते हैं कि असहनीय दर्द को मत सहना, कि तुम, क्योंकि लक्ष्मण क्या है उनको चिढ़ाने के लिए व्यंग्य शैली में उनको बोल रहे, असहनीय दर्द को मत सहना तुम। अगर असहनीय दर्द का मतलब क्या कि तुमने अपने अंदर अपनी प्रशंसा को छुपा रखा है, जो तुम उगल देना चाहते हो, जो तुम बता देना चाहते हो, तो ऐसा लक्ष्मण कहते हैं कि तुम उस दर्द को, ठीक है, मत सहना। असहनीय दर्द है जिसे तुम सह नहीं सकते हो, ठीक है, सहना तुम्हारी बर्दाश्त के बाहर होगा, तो ऐसे दर्द को मत सहना। अगर तुम कुछ कहना चाहते हो ना, तुम्हें संतुष्टि नहीं हुई अभी अपने बारे में बहुत कुछ बताने की, तो और तुम बता दो, और तुम बोल दो। ठीक है, तुम वीर हो, तुम धैर्य हो, तुम्हार को ये सब चीजें शोभा नहीं देती, अर्थात तुम बहुत बड़े वीर हो, तुम वीर गति को प्राप्त हो, तुम बहुत बड़े वीर हो, तुम धैर्यवान हो, तुम्हारे अंदर बहुत सबर है। ठीक है, तो तुम क्या करो, और तुम्हारे मुख से जो है ये गाली गाली जैसे शब्द जो है शोभा नहीं देते तुम्हारे ऊपर, तो तुम ऐसा ना कहो, अर्थात तुम अपनी प्रशंसा करो। ये मत कहो कि भाई विश्वामित्र जो है वो तुम्हारे बारे में बोले, तो उसी पूरी ऊपर जो बात बताई गई ना, उसी पूरी बात का जवाब जो है लक्ष्मण उन्हें उसी से ही लिंक करते हुए यहाँ पर बताते हैं कि तुम असहनीय दर्द को मत सहना। अगर तुम्हारी इच्छा है कि तुम अपने बारे में कुछ बताना चाहते हो, तो वही बता दो। ठीक है, और तुम फिर यहाँ पे लक्ष्मण जो है व्यंग्य शैली में उनकी तारीफ करते हुए कि भाई तुम तो बहुत बड़े वीर हो, तुम तो बहुत धैर्यवान हो, तुम्हारे ऊपर गाली देना शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम तो बहुत बड़े वीर हो। तो ऐसा यहाँ पे लक्ष्मण परशुराम को और व्यंग्य रूप शैली में, व्यंग्य शैली में बताते हुए उन्हें और चिढ़ाते हैं, उन्हें और गुस्सा दिलाते हैं। नहीं संतोष तू पुनी कछु कहो, जानी रिसरो की दुहस सुख सहो, बीर बीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देतना पावो शोभा। अर्थात नहीं संतोष, नहीं संतोषु, अर्थात नहीं संतोषु का अर्थ है संतोष। अगर तुम्हार को अभी भी संतुष्टि नहीं हुई है, संतोष नहीं आया, या तुम्हें अभी भी सबर नहीं आया है, तो संतोष ता का अर्थ लेंगे, तो पुनी, पुनी का अर्थ हो गया तो दोबारा, कुछ कुछ कहो, अर्थात कुछ कह दो अपने बारे में। ठीक है, या कहो, तो यदि तुम्हारे अंदर संतोष नहीं आया, तुम अपने बारे में अभी और कुछ बताना चाहते हो, तो तुम कह दो। जानी रिस, जानी का अर्थ होगा मत, या नहीं होता है ना नकारात्मक रूप में, मत ना ना के रूप में। रिस, रिस का अर्थ होगा क्रोध। रोकी का अर्थ हो गया रोकना। दुहस का अर्थ हो गया असहनीय। जिसको सहा ना जा सके, दुख सहो, सहो का अर्थ हो गया सहन करना। तो आप जो है
इतना आप में अगर संतुष्टि नहीं है, आप अपने बारे में और कुछ बताना चाहते हैं तो बता दो। क्रोध को मत, असहनीय क्रोध को जो मतलब अपने जो है दुख को मत सहना, ठीक है। अपने अंदर अपने क्रोध को, अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप उसे निकाल दो, क्रोध जो है वो जागृत कर दो, वो दिखा दो हमें। असहनीय दुख को मत सहना अपने अंदर, ठीक है। असहनीय दुख को मत सहना अपने अंदर कि तुम्हें पीड़ा हो, क्योंकि तुम क्रोध दिखाना चाहते हो, तुम अपनी प्रशंसा बताना चाहते हो, तो बता दो। कहीं ना बताकर तुम्हारे मन ही मन में क्या हो कि तुम्हें असहनीय पीड़ा हो, तो उस दर्द को, उस पीड़ा को तुम मत सहना, तुम हमें कह दो। अगर तुम्हें संतुष्टि नहीं है, तुम और कुछ हमें बताना चाहते हो तो बता दो। वीरव्रति, वीरव्रति का अर्थ हो गया वीरमान, ठीक है, जो वीर व्यक्ति होते हैं। तुम धीर, धीर का अर्थ हो गया जो धैर्यवान होते। तुम धीर, धीर अर्थात धैर्यवान, तुम्हारे अंदर बहुत सब्र है, तुम्हारे अंदर धैर्य है, तो तुम धैर्यवान हो। ये एक ही शब्द है बच्चे, धैर्यवान। अक्षोभ, अक्षोभा, अक्षोभा का अर्थ होगा क्रोध रहित। क्रोध रहित हो, ठीक है। तुम क्या हो, मतलब ये सारे के सारे जो यहाँ पे ये शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये वैसे तो उन पर सूट नहीं होता, ठीक है। मतलब वो वीर तो हैं, परशुराम वीर हैं, परंतु धैर्यवान और क्रोध रहित वो नहीं है। परंतु लक्ष्मण उन्हें बताते हैं कि तुम तो बहुत बड़े वीर हो, तुम धैर्यवान हो, तुम क्रोध रहित हो, अर्थात तुम्हें क्रोध बिल्कुल भी नहीं आता। गारी देत ना पवाहु सोभा, गारी, गारी का अर्थ होता है गाली, देत अर्थात देना, ना पवाहु, पावहु का अर्थ हो गया पाते, अर्थात तुम्हें जो है गाली देना जो है वो तुम्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, ठीक है। यहाँ पे गाली, किसी भी तरह की कोई गाली का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, परंतु ये जो अपने बारे में उल्टा बोल रहे हैं उसी को यहाँ पर जो है कहा जा सकता है कि वही गाली शब्द में यहाँ पर आया है। अर्थात कोई वैसे कोई गाली नहीं है, परंतु आप अपने बारे में जब उल्टा बोलते हैं ना, जैसे परशुराम जी अपने बारे में बता रहे हैं तो जैसा वो बोल रहे हैं वैसा दिख नहीं रहा है, तो वही चीज गाली के रूप में यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लक्ष्मण बताते हैं कि भाई आप में तो जो है, अगर आपको संतुष्टि नहीं हुई है, आप में संतोष नहीं आया है इस बात का कि आप अपने बारे में और कुछ बताना चाहते हैं, तो बेझिझक आप बता दीजिए। असहनीय पीड़ा को मत सहना, आप इस दुख में मत रहना, अपने दुख को मत सहना। अगर आपको क्रोध आ रहा है या आप अपनी प्रशंसा करना चाहते हैं तो बेशक कीजिए, परंतु असहनीय दुख को, अपने मतलब अपने क्रोध को, अपनी प्रशंसा को अपने मन में ही रखना मत, क्योंकि अगर आप अपने मन में रखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, असहनीय पीड़ा होगी तुम्हें, तो तुम ऐसे दर्द को मत सहना, तुम हमें बता देना। फिर लक्ष्मण उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम तो बहुत बड़े वीर हो, तुम तो धैर्यवान हो, तुम तो क्रोध रहित हो, तुमको तो क्रोध ही नहीं आता, और ये सारी की सारी चीजें जो है जो तुम बता रहे हो ना अपने बारे में, ये गाली देना जो है तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम क्या है अर्थात तुम जो है धैर्यवान हो, क्रोध रहित हो, ठीक है, तुम अपनी प्रशंसा कर सकते हो। तो ऐसा लक्ष्मण परशुराम को बताते हैं। अब इन पंक्तियों में जो है यहां पर लक्ष्मण परशुराम की सही बात को बताते हैं, ठीक है, कि परशुराम का स्वभाव जो है वो क्या नजर आ रहा है अभी हमारे सामने। तो अब यहाँ पर वो बताते हैं, वो युद्ध वाली बात थी ना कि अगर आप जो अगर कोई वीर होता है या कोई योद्धा होता है तो वो क्या करता है, वो युद्ध करता है, ना कि वो युद्ध से पहले ही क्या करने लगे,
प्रशंसा करने लगे अपनी। ठीक है, तो यही जो है यहाँ पे लक्ष्मण अब इन पंक्तियों में वही चीज को एक्सप्लेन करते हैं, वही बताते हैं कि अगर कोई योद्धा होता है, अगर कोई वीर होता है तो वो क्या करता है, युद्ध भूमि में जाके युद्ध करता है, ना कि युद्ध में अपने शत्रु को देखकर, अपने सामने अपने शत्रु को देखकर अपनी बड़ाई करने लगता है कि बिना लड़े ही वो जो है जैसे जीत जाएगा, मतलब डरा कर ही वो जो है जीत जाएगा। तो ऐसा लोग कौन करते हैं, जो अपनी प्रशंसा करते हैं वो कौन करता है, वो होता है कायर, कोई कायर व्यक्ति ही होता है जो ऐसा करता है, अन्यथा जो वीर होता है वो युद्ध करता है, ना कि प्रशंसा के भरोसे वो रहता है। ऐसा ही इन दो पंक्तियों में लक्ष्मण परशुराम के बारे में बताते हैं। सूर का अर्थ होता है योद्धा, ठीक है, सूर का यद अर्थ हो गया योद्धा। समर, समर का यद अर्थ होता है युद्ध में, ठीक है, जहां पर लड़ाई चल रही हो युद्ध में। करनी, करके, करके, करही, करही का अर्थ हो गया दिखाते, दिखाते हैं। कही ना अर्थात कहते नहीं, ना नहीं। जनावही आपो, जनावही अर्थात परिचित, आपो का अर्थ हो गया अपने आप को। अर्थात अगर आप युद्ध भूमि में हैं, अगर कोई योद्धा है वो युद्ध भूमि में है, तो योद्धा क्या करते हैं, वो युद्ध करके दिखाते हैं, ना कि अपना परिचय देते हैं कि मैं कौन हूँ। अपने आप को परिचित नहीं करते युद्ध के अंदर, ठीक है। अगर कोई योद्धा होता है, अगर सच में कोई वीर होता है, ठीक है, अगर सच में कोई वीर होता है, कोई योद्धा होता है, तो वो क्या करता है, वो युद्ध करके दिखाता है, ना कि अपने आप को, अपने आप का परिचय देने बैठता है युद्ध के अंदर। क्योंकि युद्ध के अंदर तो क्या है, आप जिस तरीके से युद्ध करोगे वही बता देगा कि आप कितने बड़े योद्धा हो, ना कि आप अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करोगे और इस बात से होगा। तो यहाँ पे लक्ष्मण सीधी बात कहते हैं कि भाई अगर कोई सच में योद्धा होता है तो वो युद्ध भूमि में अपना युद्ध करके दिखाता है, ना कि वो अपनी प्रशंसा स्वयं करने लगता है, अपना परिचित, अपना जो है अपने आप से वो परिचित कराता है युद्ध के अंदर। ऐसा कार्य कभी भी कोई योद्धा नहीं करता। विद्यमान, विद्यमान का अर्थ होता है विद्यमान, ठीक है, मतलब वही है, बस स्पेलिंग का फर्क है। विद्यमान रण, रण का अर्थ हो गया युद्ध भूमि। पाई, पर, शत्रु, शत्रु। कायर, कायर ही रहेगा। कथाई मतलब कहते। प्रतापु का अर्थ हो गया बड़ाई। तो अगर कोई युद्ध में कोई शत्रु है अगर आपके सामने, ठीक है, तो आप अगर युद्ध में अगर आपके सामने कोई शत्रु खड़ा है और आप अपनी बड़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा करने वाला कौन होता है, ऐसा केवल कोई कायर ही हो सकता है। क्योंकि युद्ध भूमि में अपनी बड़ाई करना किसी तरीके का कोई तुक नहीं है। युद्ध में आपकी बड़ाई तभी हो जाएगी जब आप युद्ध भूमि के अंदर विजयी हो जाओगे, आप जीत जाओगे युद्ध को, जब आप जो है अपने पूरे जी जान से जो है आप उसमें लड़ोगे, तो आप वैसे ही योद्धा कहला दिए जाओगे। परंतु आप तो अपने मुख से अगर अपनी बड़ाई कर रहे हो, तो युद्ध भूमि में खड़ा कोई भी वीर जो योद्धा होता है वो अपनी तारीफ अपने मुख से नहीं करता, वो अपनी बड़ाई नहीं करता, वो युद्ध करता है। तो ऐसा ही यहाँ पर लक्ष्मण उनको बार बार, अर्थात युद्ध भूमि में अगर आपके सामने कोई शत्रु है, अगर आप उसे विद्यमान पा लेते हैं, तो कोई कायर व्यक्ति होगा जो अपनी बड़ाई करेगा। मतलब सीधी सीधी ये बात वो उन्होंने कह दी कि आप जो है कायर हैं, क्योंकि आपने सामने अपने शत्रु को विद्यमान मान लिया और इसलिए आप अपनी बड़ाई जो है अपने मुख से करो, जबकि अगर आप इतने ही बड़े योद्धा हो तो आप युद्ध कर लेते। तो युद्ध भूमि में ये सब कार्य जो है वो कौन करता है, वो कायर व्यक्ति करता है। वो अपने आप को परिचय पहले, युद्ध से पहले ही अपना परिचय देने लगता है कि योद्धा जो है ऐसे ही भाग गया, भाई योद्धा है वो, सामने वाला भी, मतलब कोई ऐसे आम व्यक्ति तो होगा नहीं ना कि लड़ने आ गया बड़े, बहुत बड़े योद्धा से, दोनों तरफ ही कौन होंगे, योद्धा ही होंगे। तो इसलिए वो कहते हैं कि आपने सामने, अपने सामने किसी विद्यमान को देख लिया तो आप क्या करोगे, आप अपनी बड़ाई करने लगोगे क्या? तो ऐसा काम तो भाई कायर लोग ही करते हैं कि ये मेरी प्रशंसा ही सुन के भाग जाए कि मैं कितना बड़ा योद्धा हूँ, मैं कितना कैसा व्यक्ति, मैं कैसे जो है शत्रु को जो है गिरा के फेंक देता हूँ, मार देता हूँ मैं युद्ध भूमि के अंदर। तो ऐसा कार्य करने वाला कौन होता है, केवल कोई कायर व्यक्ति ही होता है। ऐसा लक्ष्मण परशुराम को सीधा बोल देते हैं। अब यही पर जो है चौथे अंश का चौथा अंश जो है समाप्त हो जाता है। अब पांचवें अंश पर चलते हैं।
पांचवा अंश, इस अंश में परशुराम, लक्ष्मण और विश्वामित्र दोनों तीनों ही नजर आएंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो परशुराम जो है वो लक्ष्मण पर और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और क्या करते हैं, अपना फरसा संभालने लगते हैं कि मतलब कि अब जो है मैं इसे मार दूंगा लक्ष्मण को, ठीक है। तो फिर से एक वही भाव आता है कि परशुराम जो है क्या करने की प्रयास कर रहे हैं, वे लक्ष्मण को डराने का प्रयास कर रहे हैं। पर परशुराम जैसे पहले नाकाम रहे, इस बार भी वो नाकाम ही रहेंगे। अब विश्वामित्र का यहाँ पर आता है कि परशुराम विश्वामित्र को कहते हैं कि भाई देखो, अभी तक जो मैंने इसको छोड़ रखा है, वैसे तो ये मरने योग्य ही है, ये जिस तरीके का ये बालक जो काम कर रहा है ना, ये मरने योग्य है। परंतु फिर भी परशुराम विश्वामित्र को कहते हैं कि भाई तुम्हारे स्वभाव को जानकर ही मैं इस बालक को अभी तक जो है बचा हुआ ये केवल तुम्हारे स्वभाव के कारण, नहीं तो ये तो है, ये जो है इसने क्या किया है, ये मेरे शत्रु का मेरे गुरु का शत्रु है, ठीक है। अर्थात गुरु का शत्रु कौन, परशुराम के गुरु कौन थे, भगवान शिव, ठीक है। परशुराम के गुरु हो गए शिव। अब लक्ष्मण ने जब कहा कि लक्ष्मण ने जो है वापस यहाँ पर जो है परशुराम को जवाब दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे परशुराम कहते हैं कि ये जो है ना, ये जो बालक है, ये जो लक्ष्मण है, ये क्या है, ये शिव मेरे गुरु के, ठीक है, शिव गुरु परशुराम के गुरु हैं, मेरे गुरु का इसने धनुष तोड़ा है, ठीक है। मतलब अभी उन्हें पता नहीं, परंतु वो फिर भी यही मान रहे हैं यहाँ पे कि लक्ष्मण जो है वो शिव के शिव को जो है मतलब मेरे गुरु के जो है वो दुश्मन हो गए, अर्थात वे शिव के दुश्मन हो चुके हैं, इसलिए जो है परशुराम का इनको मारना बनता भी है। तो यहाँ पे भी बताते हैं परशुराम की भाई मैं जो है मेरे ऊपर जो है वो मेरे गुरु का जो है तृण चढ़ चुका है। तृण क्या चढ़ चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो है उनका जो धनुष था वो तोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे उस तृण से परशुराम कहते हैं कि भाई मेरे गुरु का जो है मुझ पर तृण चढ़ चुका है। विश्वामित्र को बताते हैं परशुराम कि मुझ पर मेरे गुरु का तृण चढ़ चुका है, और वो तृण कैसे चुकेगा, लक्ष्मण को मारकर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, जो धनुष टूट गया है, तो यहाँ पे एक तरीके से ऐसा माना जा सकता है कि परशुराम को ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मण ने ही जरूर जो है धनुष को तोड़ोगा, तभी वो ऐसी बात को यहाँ पे कह जाते हैं कि मुझ पर मेरे गुरु का जो है तृण चढ़ चुका है। क्योंकि यहाँ पर जो है क्या हुआ है, मेरे गुरु का धनुष टूट चुका है, जो इस कारण जो है मुझ पर तृण लग गया है। और यहाँ पर वो फिर सबको यही बोलते हैं कि लोगों को जो है बाद में मुझे दोष मत देना कि मैंने जो है यहाँ पर लक्ष्मण को जो है मार दिया, ठीक है। तो वो यहाँ पर अभी भी परशुराम को ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं लक्ष्मण को मार सकता हूँ, ठीक है। परंतु यहाँ पर अंततः क्या होता है, वो अपने फरसे को भी संभालने लगते हैं, ठीक है, विश्वामित्र को भी कहने लगते हैं। परंतु अंततः जो है विश्वामित्र जो है हंसते हैं अपने मन में, और वो यही सोचते हैं कि मतलब ये जो मुनि है, ये जो परशुराम है, ये वो क्या कहते हैं, मिश्री सा समझ रहे हैं कि मतलब लक्ष्मण को और राम को, कि ये कोई गन्ने से बनी मिश्री नहीं है जो यूं ही टूट जाएगी, तो लोहे की बनी है, ये तो फौलाद है, तो इनको कोई भी ऐसे ही थोड़ी ना मार सकता है। तो ऐसा विश्वामित्र जो है अपने मन में कहते हैं इस बात को। क्यों मन में कहते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कह दिया साफ, जैसे लक्ष्मण भी है ना साफ साफ बोल रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि परशुराम को और ज्यादा क्रोध आ रहा है। तो अगर विश्वामित्र भी साफ ये बात अपने मन में ना कहकर अगर सच में बोल देते तो परशुराम का क्रोध और ज्यादा बढ़ जाता। तो इसलिए विश्वामित्र मन में ही सोचते हैं कि ये राम और लक्ष्मण है, ये कोई गन्ने के रस से बनी हुई कोई वैसी मिष्टियां नहीं है जो यूं ही आप इनको काट के फेंक दोगे, ये लोहे के बने हैं, ये फौलाद है। तो ऐसा कहकर विश्वामित्र अपने मन में ही प्रसन्न होते हैं या खुश होते हैं या हंसते हैं, ठीक है। तो ऐसा भाव यहाँ पर दिखाया गया है। व्याख्यान करते हैं दो दो पंक्तियों का। अब इन दो पंक्तियों में क्या है, लक्ष्मण, ठीक है, लक्ष्मण पहली पंक्ति में तो लक्ष्मण बोलते हैं परशुराम को, और अब पहली पंक्ति जो है उसी में क्या है, लक्ष्मण बता देते कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम जो बार बार परशुराम को कह रहे हैं, लक्ष्मण कह रहे हैं कि तुम जो बार बार मुझे ललका रहे हो, ऐसा लग रहा है तुम ही अपनी मृत्यु को जो है बुला रहे हो, ठीक है। ऐसे कठोर वचन सुनकर, दूसरी पंक्ति में बताया गया कि ऐसे कठोर वचन सुनकर क्या करते हैं, परशुराम अपना फरसा संभाल लेते हैं, अर्थात वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। तुम तो कालू हाँक जानू लावा, बार बार मोही लागी बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोर, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। अर्थात लक्ष्मण ने परशुराम को कहा कि तुम जिस तरीके से बार बार मुझे जिस तरीके का तुम जवाब दे रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी मृत्यु को बुला रहे हो, ठीक है। अब ये बात सुनकर जो है परशुराम और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसे को संभालने लगते हैं, अर्थात युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। तुम तो अर्थात तुम शब्द हो गया, ये परशुराम के लिए प्रयोग में किया गया है। कालू का अर्थ हो गया मृत्यु, ठीक है, मृत्यु अर्थात काल। हाक का अर्थ हो गया बुलाना, ठीक है, या बुला रहे हो। जानू का अर्थ हो गया मानो। लावा का अर्थ हो गया लेना, अर्थात
ये जो तुम मुझे ऐसा लग रहा है मानो तुम अपनी मृत्यु को बुला रहे हो। बार बार मोही अर्थात मुझे, मुझे यहाँ पर कौन है? लक्ष्मण। लागी बुलावा, लागी का अर्थात लेना, बुलावा का अर्थ हो गया बुला। ये जो जिस तरीके से तुम मुझे बार बार बुला रहे हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी मृत्यु को बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोर अर्थात सुन्नत का अर्थ हो गया सुनकर। लक्ष्मण के वचन कठोर, तो कठोर वचन सुनकर परसु, परसु अर्थात परशुराम, परशुराम सुधारी, सुधारी का अर्थ हो गया संभाल कर अर्थात संभाल कर। धरेऊ, धरेऊ का अर्थ हो गया धारण करना। कर हाथ, घोरा का अर्थ भयंकर। अब यहाँ पे भयंकर क्या चीज थी? उनका फरसा था। ठीक है, तो यहाँ पर परशुराम अपना फरसा संभाल एकदम से हाथ में जो है धारण कर लेते हैं। मतलब एक होते हैं ना, हाथ में तो था ही, तो एकदम से युद्ध के लिए तैयार हो जाना। ठीक है, तो अपने उस भयंकर फरसे को जो है अपने हाथ में लेकर एकदम से संभाल लेते हैं कि अब मैं इसे मार दूंगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर मतलब कहा किसी ने कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ देखकर कहा गया है कि जैसे ही परशुराम ने लक्ष्मण के कठोर वचन सुने तो वही सुनकर क्या हुआ, परशुराम ने अपना फरसे को जो है, अपने भयंकर फरसे को जो है एकदम से संभाल लिया। वो युद्ध के लिए एकदम जैसे तैयार हो गए हों। अब यहाँ इन पंक्तियों में जो है परशुराम, केवल परशुराम बोल रहे हैं। ठीक है, तो परशुराम बताते हैं कि यह जो बालक इतना सब कुछ जो बोल रहा है, अब तुम लोग जो है मुझे दोष मत देना, क्योंकि अब ये क्या है, ये बालक जो है वो मरने योग्य हो चुका है। अब ये मेरे से मरेगा ही मरेगा। ठीक है, मैंने बालक समझकर इसको बहुत बार छोड़ दिया है, इसको कुछ नहीं कहा है, परंतु अब तो सच में इसने मरने वाली बात कह दिया, अर्थात अब ये मरने योग्य हो चुका है। अब जानी देही दोसु मोही लोगु, कटु बाधी बालकु बद जोगु, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यही मन निहार भा साचा। अर्थात अब जानी, अब मतलब अब ये बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है ना, अब जानी अर्थात मत, देई, देई का अर्थ देना, दोसु का अर्थ दोष, मोहि मुझे अर्थात परशुराम को, लोगु का अर्थ हो गया लोग। तो अब मुझे वे कहते हैं परशुराम लोग को कहते हैं कि अब ये लोग जो हैं, लोगों तुम मुझे जो है अब दोष मत देना। क्यों? क्योंकि कटु बाधी, कटु बाधी का अर्थ हो गया कठोर वचन बोलने वाला, कठोर वचन बोलने वाला जो कटु शब्द जो है यहां पर बोल रहा है। तो कटु वचन बोलने वाला यहाँ पर कौन है? लक्ष्मण। बालकु अर्थात बालक, लक्ष्मण। बध जोगु अर्थात बध जोगु, वध योग्य अर्थात अब ये क्या हो गया है, ये वध योग्य हो चुका है, इसलिए अब लोग तुम मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये जो कटु वचन ये बालक बार बार बोले जा रहा है, ये वध योग्य हो चुका है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा अर्थात बाल बिलो की मतलब बालक समझकर, बिलो की का अर्थ हो गया समझकर। बहुत मैं बाचा अर्थात बहुत इसको मैंने बचाया, खुद से ही बचाया मतलब। ठीक है, बहुत बचाया। अब ये हो, अब यह है मर निहार भा साचा, मर निहार अर्थात मरने योग्य। भा साचा, भा का अर्थ हो गया साचा सचमुच, कि अभी तक तो मैं सिर्फ बोल ही रहा था, इसको बालक समझकर मैंने इसको बहुत बचा लिया, मतलब खुद के ही क्रोध से मैंने इसको बहुत बार बचा लिया है, अब तो यह है बिल्कुल ही मरने योग्य हो चुका है, अर्थात सचमुच अब तो ये मर ही जाएगा, सचमुच ये जो है मरने योग्य हो चुका है। ऐसा परशुराम कहते हैं कि देखो लोगों, लोग तुम मुझे मतलब वहां पे जितने सारे लोग थे, कि लोगों तुम अब जो है मुझे दोष मत देना,
क्योंकि ये जो बालक बार बार कटु वचन बोल रहा है ये वध योग्य हो चुका है। अब मैंने इसको जो है क्या बालक समझकर मैंने इसे बहुत बचा लिया, बालक समझकर मैंने इसे अभी तक तो बचा ही लिया क्योंकि इसे अभी तक मैंने खत्म नहीं किया, परंतु अब जो ये बोल रहा है ना अब तो सचमुच ये मरने योग्य हो चुका है, अब तो ये मरकर ही रहेगा। मतलब उनका क्रोध और ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर जो है विश्वामित्र, पहले विश्वामित्र बोलते हैं और फिर परशुराम, मतलब एक पंक्ति विश्वामित्र के द्वारा बोली गई है और दूसरी परशुराम के द्वारा। तो पहली पंक्ति में विश्वामित्र बताते हैं क्योंकि परशुराम को अब गुस्सा आ चुका है, अब वो बोल रहे हैं कि अब तो ये मरने योग्य, सचमुच मरने योग्य हो गया, इससे पहले वाली पंक्ति बताए ना, तो यहीं पर अब विश्वामित्र बोल पड़ते हैं कि भाई हम कौन है, हम मुनि हैं, हम गुरु हैं। तो गुरु जो है वो क्या करते हैं, वो शिष्य के गुण और दोषों पर जो है रिएक्ट नहीं करते, वो उन्हें क्षमा कर देते हैं, उनके गुण दोषों को नहीं बताते, ठीक है। परंतु यहाँ पर अब परशुराम क्या कहते हैं कि भाई नहीं, अब जो है वो क्या कहते हैं, परशुराम कहते हैं कि भाई मेरा जो फर्ज है वो दया रहित है, मैं दया रहित हूँ, मेरे को किसी पे दया नहीं आती है, और मेरे सामने कौन खड़ा है, मेरे गुरु का ही शत्रु खड़ा है, ठीक है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि ये मेरे गुरु का, यहाँ पे परशुराम का गुरु कौन है, शिव है, और इनका वो क्यों बता रहे हैं, क्योंकि शिव का धनुष जो है वो तोड़ा गया है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि परशुराम ये समझ लेते हैं कि शिव का धनुष तोड़ने वाला मेरा दुश्मन है, ठीक है। तो शिव का धनुष तोड़ने वाला मेरा दुश्मन है अर्थात लक्ष्मण है, तो वो यही कहते हैं कि भाई मेरे सामने कौन खड़ा है, लक्ष्मण खड़े हैं, तो मेरा क्या हो गया, मेरे लिए तो ये क्या हो गया, मेरे शिव का दुश्मन, मेरे गुरु का दुश्मन, मेरा दुश्मन, तो क्यों, और शिव का दुश्मन क्यों हुआ ये, क्योंकि इन्होंने शिव जी का धनुष तोड़ दिया। तो इसलिए पहले तो विश्वामित्र कहते हैं कि भाई हम जो है बच्चों के गुण दोषों को नहीं गिना करते, ठीक है, हम तो गुरु हैं, तो जो शिष्य होते हैं हमारे जो छात्र होते हैं, हमारे जो शिष्य होते हैं, हम उनके गुण दोषों को नहीं गिना करते। इस बात पर परशुराम उनको जवाब देते हैं कि भाई मेरे आगे कौन खड़ा है, मेरे आगे तो अपराधी खड़ा है, मेरे गुरु का अपराधी है ये, तो मेरे गुरु का वो है क्या कहते हैं, मेरे गुरु का दुश्मन खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं तो वैसे ही दया रहित हूँ, और मेरे गुरु का अगर दुश्मन मेरे सामने खड़ा है तो फिर मैं कैसे किसी के ऊपर दया खा सकता हूँ। तो ऐसा जो है परशुराम यहाँ पर कहते हैं, जबकि विश्वामित्र ने यहाँ पे प्रयास किया है कि वो किसी तरीके से जो है परशुराम को समझाने का प्रयास करें, ठीक है, कि वो समझाएं उनको एक बड़प्पन दिखाकर कि भाई ये तो बालक है, मतलब लक्ष्मण जो है वो शिष्य है, बालक है, तो उनके गुरुदोषों पर इतना ध्यान ना दे। शब्दार्थ करते हैं इसके, कोसिक कहां छहिम छमीह अपराधु, बाल दोष गुण गनाही ना साधु, खर कुठार में अक्रून कोही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। अर्थात पहली पंक्ति विश्वामित्र के द्वारा कही गई है, कोसिक का अर्थ विश्वामित्र हो गया, कहा छमीह का अर्थ होता है क्षमा करना या क्षमा, अपराधु अपराध की ये बात कह रहे हैं विश्वामित्र लक्ष्मण के लिए कि लक्ष्मण को क्षमा करें। परशुराम को बताते हैं कि लक्ष्मण को क्षमा करें, बाल दोष गुण गने ही ना साधु, अर्थात बाल दोष, बाल अर्थात बच्चों के, बालकों के या शिष्यों के, ठीक है, तो बालकों के दोष और गुण, ठीक है, गुण होते हैं ना, जो वो गुण है उसकी अच्छाई हो गई। गनही का अर्थ होता है गिनते, तो हम जो है बालकों के गुण और दोषों को नहीं गिनते, हम ना साधु अर्थात यहाँ पे हम, वो अपने लिए बता रहे हैं, परशुराम के लिए और विश्वामित्र के लिए, क्योंकि हम तो क्या है, हम साधु हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम गुरु हैं, तो हम क्या है, हम अपने बालकों के गुण दोषों को जो है गिना नहीं करते हैं, कृपा कर इस बालक को जो है वो क्षमा करें। अर्थात विश्वामित्र कहते हैं परशुराम से कि आप जो है लक्ष्मण को क्षमा करें, ठीक है, उसने जो भी अपराध किया उसको आप क्षमा करें, क्योंकि हम तो जो है गुरु हैं, हम साधु हैं, हम बड़े हैं, तो बच्चों के हम गुण दोषों को नहीं गिना करते। इस बात पर परशुराम जी कहते हैं खर कुठार, खर का अर्थ होता है तीखा या नुकीला अर्थ लेंगे क्योंकि यहाँ पे फरसे की बात हो रही है, कुठार होता है फरसा, में अकरून का अर्थ हो गया दया रहित, तो मेरा जो फरसा है वो दया रहित, कोही का अर्थ होगा क्रोधी,
तो परशुराम में क्रोध है और वो बताते हैं कि मेरा फरसा तो भाई दया रहित है, फरसा चलाएगा कौन, परशुराम ही चलाएंगे। तो कौन हो गया दया रहित, परशुराम ही हो गए दया रहित। तो वो बताते हैं कि मेरा जो ये नुकीला फरसा है ये दया रहित है और स्वयं परशुराम कौन है, बहुत ज्यादा क्रोधी है। आगे अपराधी, आगे अर्थात सामने अपराधी, गुरु द्रोही, गुरु द्रोही अर्थात गुरु यहाँ पर शिव हो गए, ठीक है, गुरु यहाँ पे शिव है और द्रोही का अर्थ होता है दुश्मन, गुरु का दुश्मन अर्थात यहाँ पे या तो आप पहले अर्थ ये रख लीजिए गुरु का दुश्मन अर्थात इनके गुरु हो गए शिव और गुरु का दुश्मन इन्होंने किसको मान लिया, लक्ष्मण को। तो यहाँ पे मेरे आगे कौन है, मेरे गुरु का दुश्मन खड़ा है क्योंकि उसने क्या किया है, मेरे गुरु के धनुष को तोड़ दिया है, ठीक है। तो इसलिए तो वो दया रहित तो रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि भाई मैं तो अपने ही बदले पे किसी को नहीं छोड़ता, तो वो तो मेरे गुरु का काम कर दिया उन्होंने खराब, उन्होंने मेरे गुरु के धनुष को तोड़ दिया, तो इसलिए उनका जो फरसा है वो बहुत ज्यादा नुकीला है और वो दया रहित है, उसको किसी पर भी दया नहीं आएगी भले ही वो बालक क्यों ना हो, ठीक है। सीधी बात यही आ गई ना, क्योंकि विश्वामित्र ने समझाने की कोशिश की कि भाई ये तो बालक है, बालक की जो है हम गुण दोषों को नहीं गिना करते, तो इस बालक को क्षमा कर देते हैं। परंतु परशुराम गुस्से में कहते हैं कि भाई नहीं, मेरे सामने तो मेरे गुरु का दुश्मन खड़ा है और मेरे फरसा दया रहित है, तो मतलब आज तो इसको मैं मार कर ही छोड़ूंगा, ऐसा वो यहाँ पर कहते हैं। अब प्रस्तुत पंक्तियों में जो है परशुराम जी क्या कहते हैं कि भाई मैं इस ये मेरे को उत्तर दिए जा रहा है परंतु फिर भी मैं इसको जो है बिना मारे छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि विश्वामित्र तुम्हारे स्वभाव के कारण, ठीक है। बोल कौन रहा है यहाँ पे, परशुराम बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं वो अभी यहाँ पे, विश्वामित्र को, ठीक है, कि मैं जो है लक्ष्मण मेरे को उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है परंतु फिर भी अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि परशुराम तुम्हारे स्वभाव के कारण, नहीं तो अभी क्या होता, मैं इसको अभी काट देता अपने नुकीले फरसे से, मैं इसको अभी ही काट देता, मेरे कठोर फरसा इसको अभी ही काट देता, परंतु अगर मैं इसको काट देता तो क्या होता, मैं मेरे गुरु के तृण से मुक्त हो जाता, अर्थात शिव का तृण इनके ऊपर चढ़ गया है, ठीक है। शिव का तृण का अर्थ क्या हो गया, क्यों चढ़ गया, क्योंकि शिव का जो धनुष था वो तोड़ा जा चुका है, ठीक है। तो उनका तृण शिव पर, शिव का तृण इनके ऊपर कैसे चढ़ गया, परशुराम के ऊपर, कि उनका जो धनुष है वो टूट गया है। तो यहाँ पे परशुराम यही कहते हैं कि भाई मैं इसको यहीं पे मार देता और अपने गुरु के तृण से मैं तभी के तभी मुक्त हो जाता, मतलब एकदम मैं उसको काट देता यहाँ पे, मतलब मैं लक्ष्मण को यहाँ पे यूं ही खत्म कर देता और मैं शिव के तृण से जो है आराम से बच जाता, ऐसा परशुराम यहाँ पर बताते हैं। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कोसिक सील तुहारे, ना तो यही काटी कठोर कठोर कठोरे, गुरु ही उन्हीं होते हु शम थोरे, अर्थात उत्तर दे रहा है ये बालक, तब भी मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ, केवल विश्वामित्र तुम्हारे स्वभाव के कारण, नहीं तो यहीं पर ही मैं इसको फरसे से काट देता और गुरु के तृण से अभी मैं मुक्त हो जाता। शब्दार्थ देखते हैं, उत्तर, उत्तर का अर्थ होता है उत्तर, वही आंसर देना, उत्तर देना, देत देना, छोड़ो का अर्थ हो गया छोड़, बिनु का अर्थ हो गया बिना मारे, अर्थात ये बालक मुझको उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है परंतु फिर भी मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, बिना मारे मैंने इसको छोड़ दिया, क्यों, केवल कोसिक, कोसिक यहाँ पर कौन है, विश्वामित्र, सील स्वभाव, तो विश्वामित्र केवल तुम्हारे स्वभाव के कारण मैंने इसको छोड़ा है, क्यों, और जबकि ये मेरे को उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है, जवाब पे जवाब दिए जा रहा है, फिर भी मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ, क्यों, विश्वामित्र केवल तुम्हारे स्वभाव के कारण, ना तो, नहीं तो क्या करता, यह अर्थात यही, काटी का अर्थ हो गया काटना, कुठार, कुठार फरसा, कठोरे का अर्थ कठोर, नहीं तो मैं क्या करता, अपने इसी कठोर फरसे से इसको यही काट देता और गुरु ही का अर्थ गुरु से, ठीक है। उरीन, उरीन का अर्थ हो गया तृण मुक्त, तृण बताया ना ऊपर अभी यहाँ पे, ये शिव का जो तृण था, तो मैं यहीं पर इससे तृण मुक्त हो जाता, होते हुए हो जाता। श्रम, थोरे का अर्थ हो गया थोड़ा,
तो बहुत थोड़ा सा ही मेरे को क्या काम करना था, बहुत थोड़े से ही परिश्रम से मैं मेरे गुरु के तृण से मुक्त हो जाता। गुरु पर क्या तृण चढ़ गया है कि क्योंकि धनुष टूट गया है, इसलिए इनका परशुराम का क्या मानना है कि मैं कैसे इस तृण से मुक्त होऊंगा, केवल लक्ष्मण को मारकर। तो वो बताते कि बहुत ही कम परिश्रम मुझे लगेगा इसको मारने में, ठीक है, लक्ष्मण को मारने में, और बहुत ही कम परिश्रम में मैं क्या करूंगा, मैं अपने गुरु के तृण से मुक्त हो जाऊंगा और मेरा कठोर फरसा इसको काट देता। उत्तर देने वाला बालक, मैं बिना मारे छोड़ रहा हूँ, केवल विश्वामित्र तुम्हारे स्वभाव के कारण, नहीं तो मेरा कठोर फरसा इसको यही काट देता और मैं बहुत ही कम परिश्रम में अपने गुरु के तृण से मुक्त हो जाता। ठीक है, अभी एक ही बात विश्वामित्र ने यहाँ पर ऊपर कही थी कि भाई हम जो है बच्चों के गुण दोषों को नहीं देखा करते, तो इस बालक को क्षमा करें, और एकदम से परशुराम ने क्षमा भी कर दिया और वो ये कहते हैं कि भाई मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं तो इसको अभी यहाँ पे काट देता, ऐसा यहाँ पे बताते हैं। अब आगे अंतिम पंक्तियां देखते हैं। अब इन पंक्तियों में जो है विश्वामित्र, ठीक है, विश्वामित्र के मन में जो है ये पंक्तियां चल रही हैं, क्योंकि वो बोलेंगे नहीं, ठीक है, और वो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि भाई परशुराम अभी तक जो है मन में हंसते हुए जो है विश्वामित्र सोच रहे हैं कि अभी तक परशुराम को ये नहीं पता कि ये कौन है, ये लक्ष्मण और राम है, ठीक है, और ये कोई ऐसे ही खांड खांड की बनी, कोई गन्ने से बनी कोई मिश्री सी नहीं है, ठीक है, कोई मिश्री नहीं है ये जो आप ऐसे ही काटोगे और ये कट जाएंगे, ये तो लोहे के बने हैं, ठीक है, मतलब ये तो लोहे के समान है, तो ये ऐसे ही कटने नहीं वाले हैं, ये कौन है, ये लोहे के समान है, मतलब मिश्री जो होगी गन्ने से बनी हुई मिश्री जो है वो तो आराम से यूं ही कट जाएगी, यूं ही पिघल जाएगी, परंतु ये तो राम और लक्ष्मण है जो लोहे के समान है, और कोई भी इनको कोई ऐसे ही तोड़ी ना कोई काट देगा। तो ऐसा सोचकर जो है विश्वामित्र अपने मन में ही हंस रहे हैं। अब वो ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं, मतलब सामने बोल सकते हैं, सामने ही तो खड़े हैं परशुराम, तो बोल सकते हैं, परंतु बोल क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, परशुराम और ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे। इसलिए विश्वामित्र अपने मन में ऐसा सोचकर हंस रहे हैं कि अभी तक ये इन्हें जो है कोई आम बालक ही समझ रहे हैं, राम और लक्ष्मण को केवल कोई आम बालक ही समझ रहे हैं, परंतु ये कौन है, ये तो योद्धा है। गाधी सुनो कह हृदय हसी, मुनि ही हरि यारे सूझ, आय मैं खांड ना खाऊ मैं, अजाहू ना बुझ अबूझ। गाधी सुने, गाधी सुने का अर्थ हो गया गाधी का पुत्र, गाधी का पुत्र कौन है यहाँ पे, गाधी का पुत्र अर्थात विश्वामित्र। तो विश्वामित्र कह हृदय अर्थात मन में, तो जो विश्वामित्र है वो मन में हंसी, मतलब हंसे, मन में वो हंस रहे हैं। मुनि ही हरि यारे सूज, सूज का अर्थ होता है मुनि ही, यहाँ पे परशुराम के लिए कहा गया है कि परशुराम जो मुनि है वो क्या कर रहे हैं, हरि यारे सूज, सूज का अर्थ होता है समझ। हरि यारे का अर्थ हो गया हरा ही हरा। विश्वामित्र जो है मन में ही हंस रहे हैं और परशुराम के बारे में कह रहे हैं कि परशुराम तो हरा ही हरा समझ रहे हैं, मतलब सब कुछ उनको हरा ही रहा दिख रहा है, मतलब बहुत ज्यादा सरल उनको लग रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा है, अमय खांड ना खमाओ, अमय का अर्थ होता है लोहे से बनी, लोहे से बनी, खांड खांड अर्थात मिश्री, ना खमाओ गन्ने से बनी, तो जो मिश्री होती है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है, कि ये जो राम और लक्ष्मण हैं ये कोई गन्ने से बनी मिश्री नहीं है, ये कौन है, ये तो लोहे से बने हैं। अजहू ना बूझ अजहू, अजहू अर्थात अब तक, अब तक ना बूझ, बूझ का अर्थ है समझ, अबूझ, अबूझ का अर्थ है असमझ या ना समझ, ना समझ, अज्ञानी।
तो यहाँ पर कौन है? परशुराम। परशुराम के विषय में यहाँ पर विश्वामित्र कहते हैं कि भाई अभी तक ये जो है नासमझ जो है समझ नहीं पाए हैं कि ये राम और लक्ष्मण हैं, जो गन्ने के बनी हुई कोई खांड नहीं है, ये तो लोहे से बने हैं। अभी तक जो है ये वाली बात जो है परशुराम समझ नहीं पाए हैं। ऐसा सोचकर विश्वामित्र जो है मन ही मन हंसते हैं कि विश्वामित्र मन ही मन सोचते हुए हंस रहे हैं कि परशुराम ने तो सब कुछ हरा हेरा समझ रखा है, बहुत ज्यादा सरल समझ रखा है। क्या सरल समझ रखा है? कि उन्होंने क्या समझ रखा है कि राम और लक्ष्मण जो है वो कोई साधारण बालक है, ठीक है, साधारण बालक अर्थात खांड से बने, गन्ने की बनी मिश्री समझ रहे हैं वो इन्हें, परंतु वे तो लोहे से बने हैं। और ये परशुराम जो है वो नासमझ है, जो अभी तक जो है इस बात को इतने देर से समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो कितने अज्ञानी हैं जो इस बात को नहीं समझ पाए कि राम और लक्ष्मण कोई साधारण बालक नहीं है, वो स्वयं राम और लक्ष्मण है जो लोहे से बने हैं, ना कि खांड से बने, जिसको आप ऐसे ही काट दोगे तो ऐसे ही काटने वाली वो खांड नहीं है, वो लोहे के बने हैं। ऐसा विश्वामित्र जो है मन ही मन सोचकर मुस्कुरा रहे हैं। पांचवा अंश जो है यहीं पर समाप्त होता है। अब छठा अंश देखते हैं। इस पाठ का अंतिम अंश है छठा। तो यहाँ पर जो है लक्ष्मण और परशुराम के बीच में बातचीत जो चल रही है, यहाँ पर परशुराम लक्ष्मण जो है वो परशुराम को व्यंग्य करते हुए कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे परशुराम की एक परशुराम ने जब जैसे ही बताया कि भाई मेरे ऊपर जो जो है शिव का तृण चढ़ चुका है, क्योंकि उन्होंने उनका धनुष टूट गया है। तो यहाँ पे अब लक्ष्मण जो है वो क्या बोलते हैं, लक्ष्मण बताते हैं कि हाँ माता पिता का तृण तो तुम पहले ही चुका चुके हो। माता पिता का तृण क्या था? वही परशुराम की कहानी थी कि जिसमें बताया गया था कि पिता के कहने पर परशुराम ने अपनी माता का जो है वध कर दिया था। अपनी माता का वध जब उन्होंने कर दिया था, हालांकि वो बाद में जीवित हो गई, पूरी कहानी मैंने आपको सार में बताई हुई है, ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो पर हम यहीं पे रहते हैं कि जैसे उन्होंने माता पिता का तृण तो चुका दिया था, ऐसे ही लक्ष्मण उनको चिढ़ाते बताते कि हाँ जैसे तुमने माता पिता का तृण चुका दिया था ना, तो ऐसे ही तुम्हारे ऊपर जो है गुरु का तृण भी बहुत ज्यादा चढ़ गया होगा। तो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं हम, क्या करते हैं जो हिसाब किताब का लेखा जोखा रखता है ना, हम उसे बुला लेते हैं। और उसे बुलाने के बाद क्या करते हैं, मैं भी अपनी पोटली में से जो है पैसे निकाल के, मतलब तुम्हारा जो तृण बहुत बहुत तुम्हारा तो तृण चढ़ गया, अब तुम्हारे पर तुमने माता पिता का तृण तो चढ़ा दिया, अब तुम्हारे पर गुरु का तृण जो चढ़ चुका, तो वो गुरु का तृण भी हम चुका देते हैं, तो तुम बुला लो उसको, और जो है मैं अपनी थैली खोलकर क्या करता हूँ, मैं तुम्हारा तृण चुका देता हूँ, तो तुम पर जो भी कर्जा हुआ है वो सब मैं उतार देता हूँ। तो ये वचन सुनकर जो है परशुराम जी और ज्यादा जो है क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसे को अब एकदम से उठा लेते हैं, फिर से संभालने लगते हैं। अब जब ऐसा सब कुछ हो जाता है तो क्या होता है कि वहां पे बैठे हुए जितने भी सभा में लोग होते हैं वो लक्ष्मण को कुवचन कहने लगते हैं कि कैसा बालक है, कैसा नादान बालक है, बदतमीजी में बदतमीजी किया जा रहा है, वो ऐसे ऐसे बोले जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अब ये सब तो श्री राम भी वहां पे मौजूद है, तो श्री राम क्या करते हैं, श्री राम जो है आंखों के ही इशारे से लक्ष्मण को एकदम शांत कराते हैं। तो यहाँ पे अंतिम पंक्तियों में फिर बताया जाता है कि भाई यहाँ पर जो है परशुराम का जो क्रोध है वो केवल आग के समान है, ठीक है, और लक्ष्मण उसमें क्या दे रहे हैं, वो आहुति दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हम हवन करते हैं ना तो आहुति डालते हैं ना, सामग्री डालते हैं, घी डालते हैं, तो यहाँ पे परशुराम का जो क्रोध है वो आग के समान हो गया, और इस आग को और कौन भड़का रहा है, लक्ष्मण के जो वचन है वो उस आग में आहुति का काम कर रहे हैं, परंतु इस आग में जो आहुति हो रही है, ये आग जो जल रही है और ये जो आहुति जो लक्ष्मण इसमें डाल रहे हैं, इन सब में जो राम के वचन है वो पानी का काम कर रहे हैं। तो राम जो है वो इतने प्यारे और अच्छे वचन बोलते हैं, हालांकि वो यहाँ पर नहीं बताए गए हैं, हमें पाठ यहीं पे खत्म हो जाता है कि राम के जो वचन है वो पानी के समान जो है बोले जाते हैं, और वहां पे सारे ही माहौल को एकदम शांत कर दिया जाता है, ठीक है। अभी लक्ष्मण के ऊपर सब लोग वहां पे जितने भी लोग थे ना वो चिल्लाने लगते हैं कि उनके 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 लिए कुवचन बोलने लगते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर अब सब लोग शांत हो जाते हैं, क्योंकि राम जो है वो बिल्कुल पानी जैसे बिल्कुल शुद्ध वचन, सरल वचन जो है वो बोलते हैं पानी के समान। तो इससे क्या होता है, परशुराम का भी गुस्सा शांत हो जाता है, और लक्ष्मण जो कुवचन बोल रहे होते हैं, वो जो आहुति दे रहे होते हैं आग के अंदर, आहुति का जो काम कर रहा होता है वो भी चुप हो जाते हैं, और राम के वचन जो है वो पानी के समान अपना काम करते हैं, अर्थात परशुराम की आग को बुझा देते हैं। अब इस अंश की जो है दो दो पंक्तियां लेकर इसका व्याख्यान करते हैं। अभी पंक्ति में क्या होता है, लक्ष्मण जो है परशुराम को बताते हैं कि तुम्हारे स्वभाव को कौन नहीं जाता, तुम्हारे ऊपर जो माता पिता का तृण था वो तुमने किस तरीके से चुकाए थे तो सब जानते हो, और अब तुम्हारे पे गुरु का तृण चढ़ गया तो ये भी बहुत ज्यादा हो गया होगा। तो ऐसे करके वो लक्ष्मण जो है वो परशुराम को और ज्यादा गुस्सा दिलाते हैं, और परशुराम को गुस्सा आ भी जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं लक्ष्मण, लक्ष्मण के द्वारा कहा गया है, कहे हु लखन मुनि सीलु तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा, अर्थात पूरे संसार में तुम्हारे स्वभाव को कौन नहीं जाता, माता पिता उन्हीं भय निके, अर्थात माता पिता के जो है तृण को तुमने किस तरीके से चुकाया था,
गुरु ऋण रहा सोचू बढ़ जी के, अर्थात अर्थात तुम्हारे ऊपर तो अब जो है क्या हो गया है, गुरु का ऋण भी जो है वो बढ़ता चला जा रहा होगा, ऐसा लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं। कहेहू लखन अर्थात कहेहू, कहेहू का अर्थ हो गया कहना या कहते हैं, कहते हैं लखन अर्थात लक्ष्मण मुनि परशुराम। सीलू अर्थात स्वभाव, तो तुम्हारे स्वभाव को नहीं, कौन नहीं जान अर्थात जानता। विदित संसारा, विदित अर्थात जानता। कहते लक्ष्मण परशुराम स्वभाव, तो लक्ष्मण जो है परशुराम के स्वभाव के विषय में जाते हैं कि तुम्हारा स्वभाव कौन नहीं जानता इस संसार में, मतलब जान दोनों ही शब्दों का एक ही अर्थ होता है जानता, ठीक है। तो लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से कि तुम्हारे स्वभाव को संसार में कौन है ऐसा जो नहीं जानता। अगली पंक्ति भी लक्ष्मण के द्वारा ही कही गई है, माता पिता ही, माता और पिता, यहाँ पे परशुराम के माता और पिता की बात करी है। उरेन, उरेन का अर्थ होता है ऋण, तृण बहे नेकी, तृण भय का अर्थ भली, नेकी का अर्थ होगा प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे लक्ष्मण बताते हैं कि माता पिता के तृण को तुमने किस प्रकार से उतारा था ये तो सभी भली प्रकार से जानते हैं, ठीक है। कैसे उतारा था, माता पिता का कर्ज क्या था, तो यहाँ पर पहले ही आपको एक स्टोरी सार में बता दी गई थी कि परशुराम के पिता ने उनको कहा था कि उनकी माता को जो है वो मार दें, तो परशुराम ने अपनी माता का जो है गला काट दिया था, उनको मार दिया था, परंतु फिर उन्होंने पिता से ही वचन ले लिया। पिता ने खुशी के मारे उनको बोला था कि बेटा बता तेरे को क्या चाहिए, तो परशुराम क्या मांगते हैं कि आपने जो मेरे भाइयों को मूर्ति बना दिया है उन्हें और मेरी माँ तीनों इन सबको जो है पांचों को आप दोबारा से जीवित कर दो। तो पिता जो है, पिता को वचन दे दिया था, तो परशुराम मतलब किया तो उन्होंने था ही, इंटेंशन क्या थी, पिता के उद्देश्य भी उनको मान, पिता ने जो कहा है वो भी परशुराम को मानना है, और साथ ही साथ वो स्मार्ट भी थे इस मामले में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो पिता की आज्ञा का पालन किया, फिर उसके बाद उन्होंने पिता से ही वो चीजें मांग ली जो उनको चाहिए थी, मतलब अपने माता और भाई उनको चाहिए थे, तो उन्होंने दोबारा से उनको जीवित भी करा लिया। तो इसी बात का ताना मारते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुमने माता पिता का ऋण किस तरह से जाना था, ये तो पूरे संसार ही भली प्रकार से जानता है कि तुमने क्या किया था, ठीक है। हालांकि परशुराम की कोई इंटेंशन गलत नहीं थी, परंतु उसी बात को जो है यहाँ पे लक्ष्मण एक अलग ही तरीके से प्रस्तुत करते हैं, केवल उनको और ज्यादा भड़काने के लिए, क्रोध दिलाने के लिए। गुरु ऋण रहा सोचू बढ़ जी के अर्थात गुरु ऋण, गुरु ऋण अर्थात गुरु का ऋण, गुरु कौन है, शिव का वही ऋण, तो गुरु का ऋण रहा अर्थात माता पिता का ऋण तो तुम चुका चुके, तो अब क्या रह गया है तुम्हारा, गुरु का ऋण। सोचू का अर्थ यहां पे चिंता से है, तो चिंता बढ़ जी के अर्थात तुम्हारे जो है जी क्या है यहाँ पे हृदय है, तो तुम्हारे हृदय की चिंता जो है वो और ज्यादा बढ़ गई होगी, क्यों, क्योंकि तुम पर जो है गुरु का ऋण जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये बात जो है यहाँ पे लक्ष्मण परशुराम को बताते हैं कि माता पिता का ऋण तुमने किस तरीके से चुकाया था ये तो मुझे भली भांति पता है, पर सबको ही पता है मुझे, क्या सभी को भली भांति पता है, परंतु अब तुम्हारे पर क्या है, गुरु का ऋण है, और तुम जो है इस चिंता में बहुत ज्यादा होगे, तुम्हारा जी जो है इसी चिंता में होगा कि तुम पर जो है गुरु का ऋण जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर लक्ष्मण जो है वो बताते हैं कि भाई आप पर, पहले वाली पंक्ति में उन्होंने बताया ना ऋण की बात बताई कि माता पिता का कैसा ऋण चुकाया, और अब आप पर किसका ऋण चढ़ चुका है, गुरु का ऋण चढ़ चुका है, किस पर, परशुराम पर। तो यहाँ पर अब लक्ष्मण जो है वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे ऊपर अब जो गुरु का जो ऋण है वो तुम क्या करना चाहते हो, वो हमारे माथे पर गढ़ना चाहते, तो ये ऋण जो है गुरु का ऋण जो तुम पर रह गया है वो तुम हमारे माथे पर गढ़ना चाहते हो, और बहुत दिन हो गए हैं इस ऋण को चढ़े हुए तुम्हारे पर, तो तुम्हारे ऊपर जो है ब्याज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, तो कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं, हम हिसाब किताब वाले को बुला लेते हैं, तो जितना भी तुम्हारे पर ब्याज जो चढ़ गया है वो जो है मैं तभी की तभी चुका दूंगा, मैं थैली में से निकाल कर जो है मतलब तुम्हें वो तुम्हारा ऋण पर जो तुम्हारा ब्याज चढ़ता जा रहा है ना वो मैं तुम्हारे को अपनी थैली खोल के तुम्हें दे देता हूँ, मतलब उस हिसाब किताब वाले को दे दूंगा, तुम्हारा ऋण जो है वो गुरु का ऋण वो चुक जाएगा। अर्थात ये ऋण जो है कोई पैसे से चुकने वाला ऋण नहीं था,
ठीक है, परंतु यहाँ पे लक्ष्मण उनको चिढ़ाने के लिए उनको व्यंग्य शैली में बोल रहे हैं, इसलिए ऐसे वो बोल रहे हैं कि भाई हिसाब किताब वाले को बुलाते, तुम्हारे पे बहुत ज्यादा ब्याज चढ़ गया होगा, तो मैं तभी की तभी थैली खोलकर, मतलब पैसों वाली जो थैली होती ना वो खोलकर मैं जो है तुरंत ही तुम्हारा जो है ब्याज वो पूरा का पूरा चुका दूंगा। ऐसा लक्ष्मण उनको और ज्यादा क्रोध दिलवाने के लिए कह देते हैं। शब्दार्थ देखते हैं, सोजनु, सोजनु वह, सो का अर्थ हो गया वह, जनु, जनु का अर्थ मानो, हमरे ही अर्थात हमारे ही, और हमारे में कौन आएगा, राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, हमारे ही माथे गाढ़ा, गाढ़ा का अर्थ हो गया मलना, तो तुम जो है तुम्हारा जो तृण है वो तुम क्या मानो हमारे ही माथे मरना चाहते हो। दिन चली गई ब्याज बढ़ बाड़ा, अर्थात तुम्हारा जो है ब्याज वो बढ़ गया होगा, ठीक है, बढ़ बाड़ा अर्थात बढ़ जाना, तो तुम्हारा जो काफी दिन हो गए हैं अब तो तुम्हारा ऊपर जो है ब्याज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। अब आनी ही व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली, अर्थात अब तो बहुत दिन हो गए ना, तो अब हम क्या करते हैं, अब अनीय, अनीय का अर्थ हो गया बुलाना, व्याहरिया अर्थात हिसाब किताब जो रखता है ना व्यक्ति उसको कहते हैं, तो हिसाब किताब रखने वाले को बोली, बोली का अर्थ हो गया बुलाना, तो अब क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि हम किसको बुला लेते हैं, अब हिसाब किताब रखने वाले को बुला लेते हैं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो है बहुत ज्यादा ब्याज चढ़ गया होगा। तुरंत देऊ, तुरंत अर्थात तुरंत, तभी की तभी, जैसे ही हिसाब किताब हो जाएगा ना तो तुरंत मैं क्या करूंगा, देना अर्थात या देता, तो मैं तुरंत ही क्या करूंगा, थैली खोली अर्थात मेरे जो पैसे की थैली है मैं तुरंत ही वो जो है खोलकर तुम्हारा सारा का सारा ब्याज जो है वो चुका दूंगा, ऐसा लक्ष्मण कहते हैं। और इस बात से तो जाहिर सी बात है, जब पहले की बातों पर परशुराम को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था तो अब उनका गुस्सा जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लक्ष्मण सीधा उनको कहते हैं कि तुमने माता पिता का कर्ज किस तरीके से चुकाया था, और अब जो है तुम्हारे ऊपर जो गुरु का कर्ज चढ़ गया, तो ये तो गुरु का जो कर्ज तुम पे चढ़ा हुआ है ये तो और ज्यादा बढ़ गया होगा, तो अब क्या करते हैं तुम, तो ये गुरु का जो कर्ज है वो तुम हमारे माथे भरना चाहते हो ना, राम और लक्ष्मण के माथे पे तुम मरना चाहते हो, तो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं तुम्हारे ऊपर जो है ब्याज वो बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, ऐसा करते हैं हिसाब किताब वाले को बुला लेते हैं, तो तुम्हारा जितना भी ब्याज होगा ना उतना जो जितना भी ब्याज तुम्हारा पड़ेगा ना तुम्हारे ऊपर वो सारा का सारा मैं तुरंत ही थैली खोलकर जो है तुम्हारा सारा का सारा ब्याज जो है वो चुका दूंगा। इतना इन दो पंक्तियों में लक्ष्मण के द्वारा कहा गया है। अब ये पंक्तियों में जो है लक्ष्मण है और दूसरी तरफ सभा है। सुनी कटु वचन कुठार सुधार, हाय है सब सभा पुकार, अर्थात लक्ष्मण के कटु वचन करके सुनकर क्या हुआ, पूरी सभा जो है वो लक्ष्मण को ही भला बुरा सुनाने लगती है, तो हाय हाय पुकारने लगती है पूरी सभा, मतलब वहां पे बैठे हुए जितने भी लोग थे वो सब। अब यहाँ पर अगली पंक्ति में परशुराम लक्ष्मण बताते हैं कि परशुराम तुम मुझे बार बार क्या कर रहे हो, तुम मुझे फरसा दिखाकर बार बार डराए जा रहे हो, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर तुम्हें छोड़े जा रहा हूं, और तुम जो है तुम क्या हो, तुम ब्राह्मण नहीं, तुम क्या हो, तुम राजा के दुश्मन हो, राजा के दुश्मन, अर्थात यहाँ पे राम और लक्ष्मण खड़े हैं, राम और लक्ष्मण के दुश्मन कौन हो गए यहाँ पे, परशुराम, तो परशुराम जो है राम और लक्ष्मण को है वो राजकुमार है, राजकुमार किसके हुए, वो राजा के हुए, तो वहां पे ऐसे ही जोड़कर यहाँ पे लक्ष्मण ने बताया है कि तुम राजा के दुश्मन हो, राजा के दुश्मन हो कैसे, और तुम राजा के हम दो यहाँ पे खड़े हैं राम और लक्ष्मण, तो तुम जो है वो राजा के दुश्मन हो, ऐसा काम तुम कर रहे हो, तो और सबसे पहले तो कुवचन सभा के द्वारा कहा गया कि सभा लक्ष्मण के कुवचन, जो पहले लक्ष्मण ने कही ना बात, उसको कहा गया है कि कटु वचन सुनकर जो सभा है वो क्या करती है, वो हाय हाय पुकारने लगती है। उसके बाद बताया गया कि लक्ष्मण कहते हैं कि तुम मुझे फरसा दिखाकर बार बार डरा रहे हो, और जबकि मैं क्या समझ रहा हूं, मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया था कि लक्ष्मण ने बताया था ना पहले कि भाई हमारे उसमें क्या होता है, कुल में भगवान को, ब्राह्मण को, गाय को और भक्त को,
उन पर वीरता नहीं दिखाई जाती, ऐसा लक्ष्मण ने पहले ही बता दिया था। तो अभी यहाँ पर भी वो वही बताते हैं कि मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर कुछ नहीं कह रहा हूँ, परंतु तुम तो राजा के दुश्मन हो, अर्थात तुम हम दोनों के दुश्मन हो, अर्थात हम किसके पुत्र हैं, राजा के पुत्र हैं। तो तुम राम और लक्ष्मण के दुश्मन हो, तुम राजा के दुश्मन हो, और हम मैं तुम्हें जो है बार बार इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि हमारे कुल में ब्राह्मणों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। सुनी कटु वचन कुठार सुधार हाय है, सब सभा पुकारा। भृगु बर परसु दिखायो दिखा बहु मोही, विप्र विचारी बाचो निर्प्र दोही। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, कुठार हो गया फरसा, सुधार अर्थात संभाला। तो यहां पर लक्ष्मण परशुराम के ये कहा गया है कि परशुराम ने क्या किया, लक्ष्मण के वचन सुनकर उसने फिर से अपना जो है फरसा संभाला और यहाँ पर सभा जो है वो हाय हाय पुकारने लगी। क्यों? जैसे ही परशुराम ने अपने फरसे को एकदम से संभाल लिया तो जनता को क्या लगा, सभा को क्या लगा कि अभी यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर युद्ध जो है वो शुरू हो चुका है, और अगर युद्ध शुरू हो गया तो क्या हुआ, यहाँ तो हाहाकार मच जाएगा, पता नहीं कितने ही लोग यहाँ पे मारा जाएंगे। तो ये सुनकर जो है सभा जो है वो हाय हाय पुकारने लगती है, और वो किसको कह रही है, सभा सभापूर्ण रूप से लक्ष्मण के लिए गलत वचन निकाल रही है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण के द्वारा ही तो परशुराम को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा, तो सारी सभा के लिए भी लक्ष्मण गलत हो गए यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे बताते हैं भृगुबर। भृगुबर का अर्थ हो गया परशुराम, भृगु के पुत्र, पहले भी बताया गया था इसका अर्थ कि भृगु के पुत्र हैं वो, तो यहाँ पर भृगु वंश के हैं तो इसलिए वो परशुराम। तो भृगुवर परशुराम परसु यहाँ पर परशुराम का फरसा है, फरसा दिखा बहु का अर्थात बहुत बार दिखाना, तो बहुत बार दिखाया मोही मुझे। तो यहाँ पे लक्ष्मण अब बोलते हैं, ये दूसरी पंक्ति लक्ष्मण के लिए है, तो लक्ष्मण यहाँ पे बताते हैं परशुराम ने फरसा तुमने मुझे जो है बहुत बार दिखा दिया, तुम बार बार मुझे जो अपने अपना फरसा जो है दिखा रहे हो, मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो। विप्र 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 का अर्थ हो गया ब्राह्मण, ब्राह्मण बिचारी, बिचारी अर्थात समझकर। तो लक्ष्मण कहते हैं कि मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर बाचो, बाचो का अर्थ हो गया बच गया, मतलब मैं तुम्हें बार बार बचा रहा हूँ क्या सोच के कि तुम जो है ब्राह्मण हो, ठीक है, परंतु तुम क्या हो, तुम निप्र द्रोही हो। निप निप का अर्थ होता है राजा और द्रोही का अर्थ दुश्मन, तो यहाँ पे राजा का दुश्मन, परंतु तुम कौन हो, तुम तो राजा के दुश्मन हो, तुमको ब्राह्मण समझकर मैं तुम्हें बार बार छोड़े जा रहा हूँ, तुम फरसा दिखाकर मुझे बार बार डराए जा रहे हो, तुम मुझे फरसा दिखा रहे हो और मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर छोड़े जा रहा हूँ, परंतु तुम हो कौन, तुम असल में तो राजा के दुश्मन हो। ऐसा लक्ष्मण ने भरी सभा में परशुराम के विषय में किया, जबकि यहाँ पे एक दृश्य यह भी दिखाया गया कि सभा भी जो है अब हाय हाय पुकारने लगी, अर्थात वो लक्ष्मण को गलत अब कहने लगी है। इसका संपूर्ण कारण क्या होगा, इस सभा के हाय हाय करने का और लक्ष्मण को गलत कहने का क्या, कि परशुराम के बारे में तो सभी जानते हैं, उनको क्रोध आ जाता है और वो यहाँ पे सबका सर्वनाश कर सकते हैं, तो इसलिए सभा भी वो है कहीं ना कहीं डर गई कि अभी यहाँ पर जो है युद्ध शुरू हो जाएगा। अब इन पंक्तियों में क्या होता है, एक पंक्ति यहाँ पर हम कहते हैं लक्ष्मण के द्वारा भी कही गई है, ठीक है, उसके बाद सभा भी है यहाँ पर और श्री राम भी है, तो यहाँ पर ये तीनों ही दो पंक्तियों में आ जाएंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे कहा गया है, मिले ना कबहू सुभट सुभट रन गाड़े, दिव द्विज देवता घर ही के बाड़े, अनुचित कही सब लोगो पुकारे, रघुपति से नहीं लखनऊ नेवारे। अर्थात यहाँ पे लक्ष्मण कहते हैं कि भाई तुम्हें तो कभी परशुराम को कह रहे हैं, ठीक है, लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं, हालांकि यहाँ पे परशुराम का कोई वाक्य नहीं है, पर यहाँ पर यह है कि लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं कि भाई तुम्हें तो कभी युद्ध में कोई अच्छा जो है योद्धा मिला ही नहीं, तुम तो घर ही घर में जो है अपने आप को बड़ा समझ रहे हो। अनुचित, अब ये जो वाक्य, जो पहली पंक्ति जो है लक्ष्मण के द्वारा कही गई, ये सुनकर जो है सभा जो है वो लोग पुकारे, अर्थात वो क्या करती है, वो लक्ष्मण को बुरा भला ही कहने लगते। तो इतने में जो है सभा के लोग जैसे ही लक्ष्मण को बुरा भला कहने लगते हैं, ऐसे ही श्री राम जो है आंखों के इशारे से लक्ष्मण को शांत करा देते हैं, उन्हें चुप करा देते हैं। तो अब इनका शब्दार्थ देखते हैं।
मिले ना कबहु, अर्थात कभी भी। कबहु का अर्थ हो गया कभी भी। सुभट, सुभट अच्छे योद्धा। रणगाड़े, रणगाड़े का अर्थ हो गया युद्ध रणभूमि। तो रणभूमि में कभी भी तुम्हें अच्छे योद्धा नहीं मिले, ऐसा लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं। द्विज देवता, अर्थात ब्राह्मण। घर ही, अर्थात घर ही घर में। के बाड़े, बाड़े का अर्थात फल रहे हो या बढ़ रहे हो, फलना बढ़ना। तो तुम तो जो है क्या कर रहे हो, घर ही घर में जो है फलते जा रहे हो, ठीक है। तुम घर ही घर में जो है फल रहे हो, बढ़ रहे हो तुम। क्यों हे ब्राह्मण, तुम क्या कर रहे हो, तुम तो घर ही घर में बढ़े जा रहे हो, क्योंकि तुमको क्या है, तुमको युद्ध में जो, तुमको रणभूमि में कभी कोई अच्छा योद्धा मिला ही नहीं, तो तुम्हें पता ही नहीं कि अच्छा योद्धा क्या होता है, एक योद्धा क्या होता है ये तुम्हें नहीं पता, ऐसा लक्ष्मण कहते हैं। अब ये क्या भाई, परशुराम खुद अपने आप में एक बहुत बड़े योद्धा है, परंतु यहाँ पे उन्होंने पंगा किससे ले लिया, लक्ष्मण से ले लिया। अब लक्ष्मण, लक्ष्मण खैर परशुराम ने डायरेक्ट तो लक्ष्मण को कुछ नहीं कहा था, पर लक्ष्मण ने परशुराम को पकड़ लिया। अब यहाँ पे जो है इन दोनों के बीच जो वार्तालाप हो रही है, तो परशुराम भी बहुत बड़े योद्धा, परंतु यहाँ पर जो है लक्ष्मण उनको गुस्सा दिला रहे हैं, या कहते कि व्यंग्य शैली में कह रहे हैं, तो वो यही कहते कि भाई तुम ब्राह्मण हो और घर ही घर में तुम फूल रहे, क्योंकि तुम्हें तो कभी रणभूमि में कोई एक अच्छा योद्धा मिला ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं कि अच्छा योद्धा क्या होता है। अब ये बात सुनकर जो है वो सभा जो थी वो जो है क्या करने लगती है, अनुचित कही सबू लोग पुकारे। अनुचित अर्थात अनुचित, जो अच्छा ना लगे, जो उचित ना हो। कही अर्थात कहा, सबू, सबू का मतलब सबने, लोगों लोग पुकारे अर्थात सभा में जितने भी लोग थे वो अनुचित पुकार कर रहे हैं, कि लक्ष्मण ने जो है बहुत अनुचित कर रहे हैं। रघुपति, यहाँ पे रघुपति किसको कहा जाता है, श्री राम को, रघुपति श्री राम। सैनई, सैनई अर्थात श्री राम ने क्या किया है, आंखों का इशारा किया है, आंखों के इशारे से। अब ये इशारा किसको किया है, लक्ष्मण को। तो श्री राम ने लक्ष्मण को आंखों के इशारे से किया है नेवर, नेवारे। नेवारे का अर्थ होता है रोकना। तो अब जैसे ही पूरी की पूरी सभा लक्ष्मण को, सभा लक्ष्मण को कहने लगी कि भाई ये जो बहुत अनुचित बात कर रहा है ये बालक, क्या कह रहा है, ये तो अनुचित कर रहा है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे जो रघुपति हैं, जो श्री राम है, वो आंखों के इशारे से लक्ष्मण को एकदम से रोक देते हैं। तो आंखों के इशारे में ही लक्ष्मण समझ जाते हैं और वे एकदम शांत हो जाते हैं। इस पाठ की अंतिम पंक्तियां हैं, अर्थात छठे अंश की भी अंतिम पंक्तियां ही हैं। लखन उतर आहुति सरिस भृगु, भृगुभर कोपु कुसानु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघु कुल भानु। अर्थात इन पंक्तियों में देखो कोई कुछ भी नहीं कह रहा है, परंतु यहाँ पर बताया गया है तुलसीदास जी के द्वारा कि लखन जो है, जैसे एक हवन चल रहा होता है ना, तो हवन में अग्नि होती है, ठीक है। तो उस अग्नि में हम क्या करते हैं, हम आहुति भी डालते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे सामग्री होती है, घी होती है, हम डालते हैं ना, तो वैसे ही उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे जो परशुराम का जो है उसको क्रोध को हमने किसके समान बताया है, अग्नि के समान। परशुराम का क्रोध तो आग के समान है, और लक्ष्मण, परशुराम क्रोधित हो रहे हैं और लक्ष्मण जो वचन बोल रहे हैं वो क्या है, वो आग में आहुति का काम कर रहे हैं। जैसे हवन अग्नि के अंदर, हवन अग्नि होती है ना, उसके अंदर आहुति डाली जाती है बार बार, तो ऐसे ही वो आहुति मतलब आग को बढ़ाने के लिए, कि आग बुझे ना, तो ऐसी आहुति जो वचन है वो आहुति का काम कौन कर रहे हैं, लक्ष्मण के वचन कर रहे हैं, कि उस क्रोध की आग के अंदर आहुति का काम लक्ष्मण के वचन कर रहे हैं, वो परशुराम के क्रोध को बढ़ा रहे हैं। ऐसे ऐसे ऐसा लगता है जैसे कि अग्नि जो है, अग्नि भी बढ़ रही हो, क्योंकि आहुति डालते तो आग बढ़ जाती है ना, तो ऐसे ही वो भी बढ़ रही है। परंतु इसमें क्या होता है कि राम के जो वचन है वो किसके समान है, राम भी यहाँ पर अपनी भूमिका निभाते हैं, और राम कुछ कहते हैं जो किसके समान लग रहा है, क्योंकि अभी सभा भी जो है भड़क चुकी है, लक्ष्मण के ऊपर परशुराम का क्रोध तो है ही है। तो यहाँ पे जो राम जो कुछ भी बोलते हैं वो कैसा लगता है, वो जल के समान लगता था। जल क्या करता है, जल आग को बुझाने का काम करता है ना, तो ऐसे ही राम इस तरीके के वचन बोलते हैं कि परशुराम का जो क्रोध है वो भी समाप्त हो जाता है,
ठंडा हो जाता है, ठीक है, या आप ठंडा कह लीजिए क्योंकि पानी आ गया है, तो यहाँ पर परशुराम का क्रोध भी समाप्त हो जाता है, लक्ष्मण भी चुप हो जाते हैं और राम के वचन जो है वो इतने ज्यादा सरल और मीठे होते हैं, पानी का काम करते हैं वो, इस क्रोध अग्नि में राम के जो वचन है वो पानी का काम करते हैं, ऐसा इन पंक्तियों में बताया गया है। ठीक है, तो अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। लाखन अर्थात लक्ष्मण, उत्तर उत्तर, आहुति सरीस, सरीस समान। तो लक्ष्मण के जो वचन है, जो वो उत्तर दे रहे हैं वो क्या है, आहुति का, आहुति के समान है, जैसे आग में आहुति होती है ना, आहुति दी जाती है, ऐसे ही लक्ष्मण के जो उत्तर है वो आहुति का काम कर रहे हैं। भृगु बर कोपो, भृगु यहाँ पे भृगु वंश का परशुराम, तो परशुराम का क्रोध, क्रिसानु का अर्थ हो गया आग, तो जो परशुराम का क्रोध है वो आग के समान आग है, और जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण के जो उत्तर है वो आहुति है, तो मतलब परशुराम के क्रोध में, क्रोध की जो आग है उसमें आहुति का काम लक्ष्मण के वचन कर रहे हैं, या लक्ष्मण के उत्तर कर रहे हैं। बढ़त देखी जल सम वचन, बढ़त देखी अर्थात जब राम ने क्या किया, राम ने लक्ष्मण के आहुति जैसे वचन और परशुराम के क्रोध को बढ़ता हुआ देखा, बढ़त अर्थात बढ़ना, देखी जल सम, जल समान, तब श्री राम ने जल समान वचन बोले, रघुकुल भानु यहाँ पे श्री राम है, रघुकुल के भानु अर्थात श्री राम, तो श्री राम ने बिल्कुल पानी जैसे वचन कहे, अर्थात दोनों की जो अग्नि थी, अर्थात परशुराम के क्रोध की अग्नि और लक्ष्मण उस अग्नि को और बढ़ाने के लिए जो आहुति दे रहे थे, उन सब पर जो है राम के वचनों ने पानी फेर दिया, अर्थात राम ने बिल्कुल पानी के जैसे जो है वचन बोले, जिसके कारण परशुराम का क्रोध एकदम शांत हो गया, अर्थात उस अग्नि को पानी मिल गया और वे अग्नि जो है एकदम शांत हो गई। अब इसके आगे राम ने क्या कहा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ना ही आपके पुस्तक में दिया गया है, तो यहीं पर आपका जो है ये पाठ खत्म हो जाता है, अर्थात श्री राम के वचनों पर ही आपके इस पाठ का समापन हो जाता है, तो यही यहाँ पर अंत होता है इसका। अगर आगे इसको कि राम के क्या वचन थे आगे अगर आप पढ़ना चाहें, तो यहाँ पे रामचरितमानस के बाल कांड में जाकर आप जो है इस दृश्य को आगे पढ़ सकते हैं, परंतु सिलेबस से उसका कोई भी लिंक नहीं है, आपको सिलेबस में वो नहीं आने वाला, केवल यही अंश आने वाले थे, तो वो यहीं पर समाप्त हो गए, परंतु अगर आपको जानने की इच्छा है कि राम ने क्या कहा था, तो आप जाके बालकांड से पढ़ सकते हैं।